पाप से है तारती। स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, शीघ्र अति शीघ्र जल्दी जल्दी से आप लोग बैठ जाएं। बड़ी सुंदर पावन कथा में हम और आप सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं और आइए तब तक एक थोड़ा सा पावन सा संकीर्तन का भाव लेते हुए हम श्रवण करेंगे ताकि हमारा मन पवित्र हो सके ठाकुर जी की कथा के लिए। सुखदेव भैया मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सावरिया मैं देखूं जिस और
सह कर भी चुप रहना है। श्याम के रंग में रंग गया जीवन, श्याम के रंग में रंग गया जीवन। जैसे जल में गाघरिया, जैसे जल में सौभाग्य का विषय कि आज प्रातःकालीन बेला में हम और आप सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ी सुंदर ठाकुर जी की दिव्य चर्चाओं की पावन कथा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्रवण कराएंगे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए। आज प्रातःकालीन बेला में उठकर यहाँ बैठे हैं तो एक नई ऊर्जा का आभास हमें हो रहा है। वास्तव में कितना सुंदर समय है और ऐसे में आइए हम अपने पूरे एकाग्रचित मन के साथ में पावन कथा का श्रवण पान करेंगे। इस पावन गंगा में गोता लगाएंगे और अपने जीवन में जो ये मानव शरीर मानव देह हमको और आपको प्राप्त हुई है इस मानव देह को साकार और सार्थक करेंगे। और ये केवल और केवल सार्थक उसी कार्य से हो सकती है जो कार्य इस मानव देह के लिए बने हैं। जैसे कानों के लिए श्रवण करना, आंखों के लिए देखना, मुंह के लिए बोलना, वैसे इन हाथों के लिए सेवा करना और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा सद्गुरुदेव भगवान हमको और आपको निरंतर शिक्षा दे रहे हैं। और सद्गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसी को मूल मंत्र मान करके सद्गुरुदेव भगवान निरंतर व्यासपीठ के माध्यम से आज हमको और आपको पूरे परिवार से जोड़ रहे हैं। और ये परिवार गौरी गोपाल आश्रम परिवार है जो निरंतर अपने आप को बढ़ा रहा है और बढ़ती हुई संख्या में निरंतर सेवा के माध्यम से आज घर घर में पहुंच रहा है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियां बनती है सद्गुरुदेव भगवान के लिए जिन्होंने इतने पावन पवित्र वीणा उठाए, संकल्प लिए और उन्हीं वीडा और संकल्प के माध्यम से आज हमको भी जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि भगवान के काम से वही लोग जुड़ते हैं जिन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं। तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपको और हमको भी चुना है जो आज हम यहाँ वृंदावन से जुड़ रहे हैं, इन पावन सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही है। सेवाओं के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सेवाएं यहाँ हो रही हैं। और सेवा के लिए केवल एकमात्र ऐसा नहीं है कि माओ की सेवा हो रही हो, अन्य और भी सेवाएं हो रही हैं, चाहे वह जीव जंतुओं की सेवा हो, बंदर सेवा हो, गौमाताओं की सेवा हो, दवाइयों की पावन सेवा हो, निर्माण कार्य हो, अन्य क्षेत्र की पावन सेवा हो, किसी भी प्रकार के कार्य में, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में कोई कमी ना रहे, इसका ख्याल निरंतर सद्गुरुदेव भगवान रख रहे हैं। और ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि हम भी अपने आप को इन पावन सेवाओं से जोड़ पा रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर पा रहे हैं। तो निरंतर सेवाओं के बल से आइए हम भी अपने आप को जोड़ेंगे और पावन कथा का श्रवण पान करेंगे। कहते हैं कि जीवन में अपनों का साथ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सुख होता है तो बढ़ जाता है और दुख होता है तो बट जाता है। इसलिए अपनों का साथ होना बेहद जरूरी होता है और यही शिक्षा निरंतर व्यासपीठ से सद्गुरुदेव भगवान देते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है
कि नादान है वो लोग जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं। अरे माँ बाप तो वो रत्न हैं जिनके चरणों में स्वयं भगवान भी अपने आप को झुकाते हैं, अपने आप को झुकाते हैं। यानी माँ बाप का आदर सम्मान तो भगवान भी करते हैं, फिर भला हम और आप किस खेत की मूली हैं। आइए मैं इस बात से प्रेरणा देना चाहूंगा कि जो निरंतर सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा करें और इतनी सेवा करें कि ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए। आइए एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर संस्कार के बीज हमारे अंदर तो बोए हैं, हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी ये बीज तैयार किए हैं ताकि वो भी संस्कार संस्कृति से अपने आप को जोड़ सकें। देखिए कितनी सुंदर सेवा यहाँ माओं की हो रही है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग घर बैठे हैं जो यहाँ है वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। कितनी खुश है ये माए, कितने आप ये सुंदर इनके चेहरे को देख सकते हैं, इनकी खुशियों को देख सकते हैं। कितना नरक भरा जीवन ये जी करके यहाँ आए हैं और आज इनको लग रहा है जैसे ये यहाँ गौरी गोपाल आश्रम नहीं बल्कि स्वर्ग में आ गई हैं। और इस सब का श्रेय जाता है सद्गुरुदेव भगवान के लिए और आप जैसे प्यारे प्यारे दानवीर महापुरुषों के लिए, भाई बहनों के लिए जो इन माओं का सहारा बन रहे हैं, इन माओं की सेवा कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जो अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए इन माओं का हाथ पकड़ रहे हैं। अब आइए मैं चाहूंगा कि आप भी इन माओं का सहारा बने, इन माओं का हाथ पकड़े, बुढ़ापे की लाठी बने, बुझती हुई आंखों का दीपक बने, जो शेष सफर में काम आएंगे और जिनसे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। बड़े सुंदर यहाँ चेहरे आप देख पा रहे हैं, इन माओं के ये खिलखिलाते हुए चेहरे यूं ही नहीं खिलखिला रहे हैं, सद्गुरुदेव भगवान ने अपना पूरा जीवन इन माओं के लिए समर्पित कर दिया है, तब कहीं जाकर के सुंदर से सेवा के कार्य हो रहे हैं। आइए मैं चाहूंगा कि आप भी सद्गुरुदेव भगवान के साथ में जुड़े और आज हमारे परिवार में जहां 272 माएं हैं, मैं चाहूंगा कि ज्यादा नहीं तो आप इन माओं में से किसी एक माँ का सहारा जरूर बने। मात्र 21,000 रुपए के योगदान से आप एक माँ का सहारा बन जाएंगे और आप जीवन भर के लिए इन माओं का सहारा बनते हैं, इन माओं के आशीर्वाद से पुण्य से भी अपने आप को जोड़ लेती है और हमें पुण्य मिलता है और आशीर्वाद भी मिलता है। आइए इन्हीं सेवाओं के लिए किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने अपने योगदान के हाथ तक बढ़ाते हैं, धन को धर्म से जोड़ा है और पुण्य की प्राप्ति की है। नाम सुनेंगे दानवीर महापुरुषों के। आज की श्रेणी में परमादरणीय पंकज वशिष्ठ, आप मोहाली पंजाब से और आपने सभी सेवाओं के लिए जो सेवाएं श्रीधाम वृंदावन में चलती हैं उन सेवाओं के लिए आपने 50,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां पंकज जी वशिष्ठ पूरे परिवार के लिए जो अपने आप को सभी सेवाओं से जोड़ रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। इसी श्रेणी में प्रेमलता देवी लड्ढा, आप नागौर एहसान से 21,000 रुपए देते हो, आप एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। वहीं कमल राय जी गुड़गांव से 11,000 रुपए, सुरेश पंडित जी झारखंड से 11,000 रुपए, रत्ना जी प्रयागराज से 11,000 रुपए, लता जी कुमारी सिन्हा हजारीबाग झारखंड से 11,000 रुपए, विश्व प्रकाश जी बिहार से, बहन शुभ के विवाह उपलक्ष्य में आप 11,101 रुपए, साथ ही काशीनाथ जी भारिका, सुशीला भारिका अलवर राजस्थान से 11,000 रुपए, उमा सरकार जी पश्चिम बंगाल से 11,000 रुपए, सुमित्रा देवी कोलकाता से 12,000 रुपए, दया चंद्र प्रसाद जी दुर्गावती देवी बिहार से 11,111 रुपए आप दान कर रहे हैं। इसी श्रेणी में मदन लाल जी गुप्ता मिर्जापुर से 11,000 रुपए, सुमित्रा इंद्रेश जी 10,000 रुपए, विलास जी मनोहर जी कदम पुणे से आप 4,000 रुपए, सुधा शिवास उन्नाव से 5,000 रुपए, राजीव कुमार जी उन्नाव से 5,000 रुपए, कौशल्या देवी आप महाराजगंज से 51,000 रुपए, चंद्र मोहिनी आप 51,000 रुपए, अंजू अराजय जी सूर्यवंशी गुजरात से 5,200 रुपए, मधु सिंह लाजी आप सपरिवार दिल्ली से 5,100 रुपए। वहीं विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हैं मालती सक्सेना शिवपुरी से, नवल किशोर प्रसाद जी पटना बिहार से 2,600 रुपए, सुनीता जी आदित्य शर्मा बिलासपुर से, सोनी हरिशंकर करोन जी मुंबई से, अमर सुरेश जी आप बेमल जी मुंबई से प्रदान करें, विजय सैफ श्यामा जयसवाल जी जबलपुर से 2,100 रुपए, अमरेंद्र कुमार जी 2,100 रुपए, रेणु प्रकाश जी नैनीताल उत्तराखंड से, सुबोध कुमारी नरेंद्र बिहार से, संजीव कुमार चौधरी रूपम कुमारी बांका बिहार से विजय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 2,005 रुपए रूवी बरनवाल झारखंड से, दीपक कुमार फरीदाबाद से, विदेशी बस्ती उत्तर प्रदेश से आप 2,100 रुपए, कांति तिवारी धर्मेंद्र तिवारी गुड़गांव से 2,100 रुपए, विजय सिंह देवी फरीदाबाद से आप विशेष गोपाल राव जी दिल्ली से 2,100 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में वीरेंद्र सिंह शर्मा जी अब राजस्थान से विशेष है, अजय कुमार दास ग्वाटी असम से 2,100 रुपए, जादू कुमारी पश्चिम बंगाल से 2,000 रुपए, शरम जी विनायक जी बाबूराव जी भीड़ महाराज से विशेष है, लालजी सिंह आप कैमूर बिहार से 2,200 रुपए, सुरेश पाल जी सुलेमान जी नगर दिल्ली से आप 2,100 रुपए, मुकुटलाल जी राजस्थान से, धर्मेंद्र तिवारी कांति तिवारी गुड़गांव से 2,100 रुपए, हर्ष जी अरोड़ा कनाडा से विशेष है, मायादेवी नांगलोई दिल्ली से आप 2,002 रुपए, अर्चना कुमारी बिजनौर से आप 3,300 रुपए, शिवराज अग्रवाल आप गोरखपुर से, प्रमोद कुमार जायसवाल आप बिहार से, मीनाक्षी जम्मू कश्मीर से, गणपति रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, विनोद श्रीवास आप दिल्ली से विशेष है, कांति तिवारी गुड़गांव से 2,100 रुपए, सतीश जी ललता जी मदनपुर से बघेलिया, तरुण भाई देव जी भाई राजपुर गुजरात से विजय सहयोग के हाथ तक बढ़ा रहे हैं। वहीं इसी श्रेणी में अजय विधान जी जी नरला से विजय सहयोग प्रदान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में जोगेश मोदी साथी लाल सिंह जी आप कैमूर बिहार से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने
अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए पावन सेवाओं से जोड़ा है, पुण्य की प्राप्ति की है। आइए मैं चाहूंगा कि आपका भी नाम इन पावन सेवाओं से जोड़ा जाए और आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो, ताकि आप भी अपने जीवन में श्री की वृद्धि होते हुए अपने परिवार में देखें, आनंदित होते हुए अपने आप को देखें। आइए, सेवाएं निरंतर सिद्धांत प्रतापन में चल रही है, चाहे माओ की सेवा हो, अन्य क्षेत्र की सेवा हो, संत सेवा हो, रसोई की सेवा हो अथवा गौ माताओं की सेवा हो, सेवाएं यहाँ विकट रूप में विशाल रूप में चल रही है। आप जिस सेवा में चाहें उस सेवा में आप आहुति लगाते हुए अपने आप को जुड़ सकते हैं। अब आइए चलेंगे आज के मंगल में पावन बेला की ओर, एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव में होकर मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्री कृष्ण शरण मम, 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 श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरण मम, श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा शरण मम, श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरण मम, श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा शरण मम। वृंदावन का कण कण बोले श्री कृष्ण शरण मम, यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरण मम,
कण बोले श्री कृष्ण शरणम ममः। यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणम ममः। वृंदावन के बंदर बोले श्री कृष्ण शरणम ममः। वृंदावन की गैया बोले श्री कृष्ण शरणम ममः। वृंदावन के बंदर बोले श्री कृष्ण शरणम ममः। वृंदावन की गैया बोले श्री कृष्ण शरणम ममः। सुख में बोलो दुख में बोलो श्री कृष्ण शरणम ममः। हंसते बोलो रोते बोलो श्री कृष्ण शरणम ममः। सुख में बोलो दुख में बोलो श्री कृष्ण शरणम ममः। सुख में बोलो दुख में बोलो श्री कृष्ण शरणम ममः। आते बोलो जाते बोलो श्री कृष्ण शरणम ममः। खाते बोलो पीते बोलो श्री कृष्ण शरणम ममः। खाते बोलो पीते बोलो श्री कृष्ण शरणम ममः। खाते बोलो पीते बोलो श्री कृष्ण शरणम ममः। 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणम ममः। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा शरणम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणम ममः। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा शरणम ममः। राधे 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 मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी तो खबर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी तो खबर रखना। तुम्हारा हूँ इतनी तो खबर रखना। राधे हो राधे 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 राधे। अगर तुम न करो अगर तुम न करोगे तो राधे कृपा कौन करेगा। अगर तुम न सुनोगे तो राधे मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम न सुनोगे तो राधे मेरी कौन सुनेगा। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। बूंद जो मिल जाए दिल की गली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए दिल की गली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए दिल की गली खिल जाए। राधे हो राधे 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 राधे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी शुभ टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की कृपा से आज हम सब यहां बैठ करके वृंदावन की पावन धरती में बैठकर श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा का आज तृतीय दिवस श्रवण करेंगे। कथा में परीक्षित मन के श्रीमान अनिल लखोटिया जी मैया श्रीमती अंजना लखोटिया जी सुपुत्र आपके श्री विशाल लखोटिया जी आपकी धर्म पत्नी श्री सौम्या लखोटिया जी श्री रौनक लखोटिया जी और रिया लखोटिया जी समस्त लखोटिया परिवार माहेश्वरी परिवार मल्टीवाला गार्डन कोलकाता की पावन धरती पश्चिम बंगाल से आप आए हैं और अपने पूर्वजों की पितरों की सदगति के लिए सुंदर सी कथा का भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं। लखोटिया परिवार के माध्यम से जो यहाँ आए हैं वो तो सुन ही रहे हैं, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आए, जो घर पर हैं टीवी पर सुन रहे हैं, तो वो घर बैठे सुन रहे हैं। तो आप सभी ये कथा संस्कार टीवी पर भी और शुभ टीवी पर भी आप सुन रहे हैं। जो जहां है यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर आज आपको एक बधाई दे दूं, आज यूट्यूब पर 1,27,00,000 लोगों का परिवार पूरा होने जा रहा है। आज यूट्यूब पर कितने लोगों का परिवार पूरा होने जा रहा है? 1,26,99,000 परिवारीजन तो हैं आज, 1,26,00,000 तो हैं, अब 1,27,00,000 होने जा रहे हैं। आप भी अपना मोबाइल निकाल लीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी मैं आपको बधाई दे दूंगा। आप सब यूट्यूब पर जाइए और अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए, आप अपना मोबाइल निकाल सकते हैं और मोबाइल पर डेटा का सदुपयोग करते हुए मोबाइल पर कथा सुनने की आदत बनाइए। आप अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए इस तरह से, अनिरुद्धाचार्य ANIRUDDHACHARYA, ऐसे चैनल खुलकर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए, कथा को जन जन तक पहुंचाइए, अपने परिवारी जन तक पहुंचाइए, इष्ट मित्रों तक पहुंचाइए, सब तक कथा पहुंचाइए। और आप तुरंत यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आज देखते ही देखते ये परिवार 1,27,00,000 लोगों का अभी आपके सामने पूरा हो जाएगा। आप घर पर बैठे हैं जो टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग भी अपना मोबाइल निकाल करके और उसका सदुपयोग कीजिए जहां है वहीं से, और इस परिवार को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा परिवार है ये, पूरी दुनिया में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है YouTube पर, सबसे बड़ा परिवार है यह YouTube पर अनिरुद्धाचार्य परिवार। तो आप इस परिवार के हिस्सा बने और कथा स्वयं सुने, औरों को भी जोड़ें, क्योंकि कथा हम सबके जीवन को परिवर्तित करती है, बदलती है। प्रिय भक्तों, ये जो कथा है ये हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाती है, बदलती है, हम सबके जीवन की व्यथा को समाप्त करती है।
कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप लगा मरने का, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, जीवन बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है? मैया, जीवन बड़ा है छोटा है? जीवन बहुत छोटा है। देखो ना, आपका लड़कपन कब बीत गया आपको पता ही नहीं चला, आपकी जवानी कब बीत गई आपको पता ही नहीं चला। आज आपकी शादी के 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल शादी हुए, इतने साल हो गए, ऐसा लगा कि अभी सब कुछ हुआ था, अभी इतने साल हो गए। मतलब समय जैसे आप रेत को हाथ में दबाओ, बालू को हाथ में दबाओ, तो जैसे वो सरकती जाती है, एक एक कण गिर जाता है, कुछ बचता नहीं है, ऐसे ये समय है, ये उम्र है, ये आपके हाथ से बालू की तरह, रेत की तरह खिसकती चली जा रही है, कुछ मिलता नहीं। भाई ये कभी बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है, ये सिस्टम तुम्हारा, साउंड सिस्टम ठीक है? ठीक करो उसको, चलते चलते बंद हो रहा है। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये उम्र धीरे धीरे ऐसे हाथ से खिसक रही है जैसे हाथ से बालू खिसक जाती है, रेत खिसक जाती है। इसलिए जीवन को क्या कहा? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सचि सुच सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले, भजले हरिनाम अरी रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। संत जन गाते हैं, हाँ, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कोठार लिए फिरता, कलिकाल कोठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले ना हिले, भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले ना हिले। चालू है, चेक करो सब कोई, देखो बंद पड़ा था। तो जीवन क्षण भंगुर है, ये मानव का शरीर आज मिला है, अभी है, कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे जल्दी से मर जाना है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले, चिंता ना करो, जिसके पास समय कम है उसके क्या करना चाहिए? उसे भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। अच्छा, समय किस किस के पास कम है? किस किस के पास समय कम है? आपके पास समय बहुत है नहीं? तो कम समय है तो हाथ उठा लो। हम सबके पास समय अब कम बचा है, अब कम समय में आपको यात्रा लंबी करनी है, यात्रा लंबी है, जाना बहुत दूर है और समय है थोड़ा, तो आप क्या करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। जाना दूर है और समय कम है तो क्या करेंगे? फिर स्पीड बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे? अधिक से अधिक भगवान के नाम के जप की स्पीड बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक मन को भगवान में लगाने की स्पीड बढ़ाएंगे। मन नहीं लगता तो भी लगाओ, क्योंकि समय कम है और जाना है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव भगवान मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले, राजन तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जो आपने प्रश्न किया है ना, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। राजा परीक्षित ने पूछा है, जैसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा, वरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादि सुयः परः निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब
कुंभ भरणेन वा। जिसे जल्दी जाना है उसे क्या करना चाहिए? कम निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए। आप लोग सोते कितना कितना सोना चाहिए हमें? मैया आप कितने घंटा सोती हो? 5, सही। रात को 5 और दिन को आप कितने घंटे सोते हैं? 16 घंटा, 2 घंटा, 6, 6 घंटे। मैया आप 10, चलो ठीक है। ये बताओ कितने घंटा सोना चाहिए 24 घंटे में? कितने घंटा सोना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को? कितने घंटा सोना चाहिए? सोना जरूरी है, पर कितना सोना जरूरी है? जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति ना हो किसी चीज की, ना जागने की अति हो ना सोने की अति हो। सोना चाहिए पर कितना? स्वस्थ व्यक्ति को 7 घंटे की नींद बहुत है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं। 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, अधिक से अधिक 7 घंटे। और अच्छी बात है तो आप 8 घंटे तक सो लो, इससे ज्यादा 9 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 8 घंटे बहुत है। समय से जागिए। और अभी आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? फास्ट, अभी आप जाग रहे हैं कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? आप जाग रहे हैं? आप जाग रहे हैं? मैं, आप जाग रही हो? आप जाग रहे हैं? चलो चेक कर लेते हैं कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, आप अपने खुद के घर में रहते हो कि किराए के घर में? आपका खुद का घर है कि किराए का है? जोर से, खुद का है आपका? खुद का है। अच्छा ये बताओ आपके बच्चे कितने हैं? 2, किसी के 3, किसी के 4। अच्छा ये बताओ आपका क्या क्या है? क्या क्या आपका है? बेटा आपका है, बेटी आपकी है, पति आपका है, पत्नी आपकी है, दुकान आपकी है, व्यापार आपका है, बिजनेस आपका है, ये सब किसका है? आपका। भाई भगवान का है ये तो आप यहां बैठ के कह रहे हैं ना, घर पे तो हमेशा यही कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भाई यहां भगवान का है ये तो आपको यहां समझ आई, बाकी रियल लाइफ में तो आप ये कहते हैं ये फैक्ट्री मेरी है, ये व्यापार मेरा है, ये दुकान मेरी है, घर मेरा, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, हाँ ये सब मेरा है, हाँ ऐसा बोलते हैं ना। यदि आप जगत को अपना मान बैठे हैं तो फिर आप सो रहे हैं। जागा हुआ कौन है? शंकर जी कहते हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। सब लोग सो रहे हैं मोह की रात्रि में, मोह की नींद में। किस नींद में? आप किस नींद में सो रहे हैं? मोह की नींद। मोह क्या है? ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा, ये मोह ही तो है। ये क्या है? मेरा, ये परिवार मेरा, ये सब मेरा। इस मोह की रात्रि में आप सब सो रहे हैं। बोले जागा कौन है? बोले जागा किसे समझो? बोले जिसने भगवान को अपना मान लिया वो जागा है, जिसने संसार को अपना माना है वो अभी सो रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो वो सो रहे हैं। जो जगत को अपना मान बैठे हैं सब सो रहे हैं, जो जगन्नाथ को अपना माने हैं वो सब जाग गए। अब आप अपने आप से ये प्रश्न करो और अपने आप को उत्तर दो कि आप सो रहे हैं या जागे हैं। यदि आपने भगवान को अपना, मीराबाई ने क्या बोला? मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे बोलो आप,
इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसका इस लाइन का अर्थ मुझे जरा समझाओ, मुझे बुद्धू को समझाओ। फर्स्ट मैया बताएंगे, बीच में सौल ओढ़े बैठी हूं। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसका क्या अर्थ है? थोड़ा जोर से, मेरी माँ, हम थोड़ा बहरे भी हैं, हमारी बुद्धि भी कम है और हम बहरे भी, एक अवगुण नहीं एक करोड़ अवगुण है हम में। थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। ये टोपा वाले भैया बताएंगे। चलो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस लाइन का अर्थ। हाँ, इस लाइन का सीधा अर्थ है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं दूसरे किसी को नहीं जानती, मुझे दूसरे किसी पर भरोसा, एक गिरधर गोपाल, एक कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी को ना जानती हूं और ना जानना चाहती हूं। जो एक कृष्ण के सिवा ना किसी को जाने और ना जानना चाहे, इसे जागा हुआ कहते हैं। मीरा जागी हुई थी और हम लोग एक कृष्ण के अतिरिक्त बाकी सबको अपना मान बैठे हैं। हम एक कृष्ण के अतिरिक्त सबको अपना, आपको आपके परिवार में किसी के शादी का निमंत्रण ना आए, आपको अपने परिवार के किसी व्यक्ति के घर से आपको निमंत्रण ना आए, कार्ड ना आए, तो आपको क्या लगता है? आप बुरा मान जाते हैं, अरे फलाने ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, फलाने ने हमें शादी में बुलाया नहीं, और आप बुरा मान जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं कि फलाने ने तो हमें निमंत्रण नहीं दिया। मतलब आपको फलाने ने नहीं बुलाया तो आप परेशान हो गए, मतलब फलाने से आपको ज्यादा लगाव है, लेकिन आप वृंदावन कब से नहीं आए, आप दुखी नहीं हुए कि बिहारी जी आप कब बुलाओगे? इस बात का दुख आपको, इस बात का दुख तो है कि हमारे रिश्तेदार ने नहीं बुलाया, पर इस बात का दुख नहीं कि बिहारी जी ने नहीं बुलाया, है ना? क्योंकि आपको जगत की जरूरत है, इसलिए जगत के रिश्ते नातों की, आपको निमंत्रणों की जरूरत है, नहीं आने पर आप दुखी होते हैं। लेकिन बिहारी जी, आपने जगन्नाथ जी से कब कहा कि हे जगन्नाथ जी बुलाओ? अरे बिहारी जी ना बुलाएं तो ना बुलाएं, कम से कम उनकी याद में तड़पो तो सही, उनकी याद में रहो तो सही। अब जैसे जगन्नाथ जी हैं, अब जगन्नाथ जी से कहो, रोज कहो सवेरे जागते ही, इसी बहाने उनकी याद में आप खोना सीख जाएंगे, उनकी याद में डूबना सीख जाएंगे। हे जगन्नाथ जी कब बुलाओगे, कब अपना दर्शन दोगे? हे बिहारी जी कब बुलाओगे, कब अपना दर्शन दोगे? उनकी याद कर करके थोड़ा उनकी यादों में तड़पो, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे जरा तड़पना सीखो, है ना? यादों में खोना सीखो, जब खोना सीख जाओगे ना, जब तड़पना सीख जाओगे ना, तब भगवान की कृपा होती है। सोचो ना मेरी माँ, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो रोता है ना, रोता है, हमें ये खिलौना दिलाओ, खिलौना माँ, माँ खिलौना दिलाओ, माँ बोलती तेरे पास है, नहीं दिलाऊंगी, फिर वो मचल जाता है, रोता, नहीं नहीं दिलाओ हमें, वो रोता है, फिर माँ क्या करती है, उसे खिलौना दिलाती है। सोचो ना मेरी माँ कि बिना रोए बिना मचले तुम्हें खिलौना नहीं मिलता, तो बिना मचले बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? सोचा है कभी आपने? इसलिए उनके लिए मचलना पड़ेगा बच्चों की तरह, उनकी तरह रोना पड़ेगा बच्चों की तरह। अब आप रोते नहीं मचलते नहीं तो भगवान बोले चलो तुम्हारा काम हमारे बिना चल रहा है तो ठीक है भैया चलाओ, हम ये खड़े हैं। याद रखिएगा, माता द्रौपदी ने जब तक परिवार को पुकारा है ना, तब तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी ने किसको बुलाया जब साड़ी खींचने लग गई? अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, नकुल सहदेव बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह भीष्म बचाओ, हे राजा महाराज बचाओ, सबको बुलाया था द्रौपदी ने, सबको आवाज लगाई, सुना किसने? सब बहरे थे, किसी को सुनाई नहीं पड़ता ना, आप जिनको पुकार रहे हैं ना सब बहरे हैं। हाँ, कान वाले तो केवल हमारे श्याम सुंदर हैं, इसलिए जगत के पीछे क्यों भाग रहे हो आप?
क्यों जगत पर इतना भरोसा है आपको? क्यों नहीं अपना विश्वास भगवान में जमाते? द्रौपदी ने सबको बुलाकर देख तो लिया, आया कौन? जो द्रौपदी के लिए आए वही आपके लिए आएंगे, बस द्रौपदी की तरह। द्रौपदी के पास तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने उन्हें पुकारा नहीं। और कैसे पुकारा? सबका भरोसा छोड़कर पुकारा। पहले सब पे भरोसा था कि अर्जुन तो आएगा, पहले तो सब पे भरोसा, भीम तो आएगा, वो तो गदाधर है, वो तो दुशासन को मार गिराएगा, लेकिन नहीं आए। जब द्रौपदी का घमंड टूट गया, द्रौपदी मैया को बड़ा घमंड था कि मेरा पति धनुर्धर है, मेरा पति गदाधर है, मेरा पति धर्मराज है, मैं इतनी बड़े बड़े महापुरुषों की अर्धांगनी हूं, बड़ा घमंड था। लेकिन जब सारा घमंड चूर हो गया तब द्रौपदी को लगा कि मेरा घमंड काम, अंत में पुकारा। तो तुम जिस घमंड में हो ना, छोड़ दो उस घमंड को। यदि आप किसी घमंड में जी रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे का बल है, मेरे पास तो नेताजी का बल है, मेरे पास तो पावर है, पैसा है ना जी, कितनों का पावर, कितनों का पैसा, सब धरा रह गया, कोई काम कहां आएगा मेरी मां। इसलिए ज्यादा घमंड ना हो जगत का। घमंड होना चाहिए तो इस बात का घमंड होना चाहिए कि हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो भगवान से जुड़े हैं, हमें तो भगवान ने थाम रखा है, हम भगवान के हैं। राम दूत मैं, हनुमान जी घमंड से कहते हैं, मैं राम का दूत हूं, राम दूत मैं, मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की, मैं राम का हूं। यह घमंड होना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूं, यह घमंड होना चाहिए कि मैं जगन्नाथ जी का हूं। मैं इस घमंड में ना रहूं कि मैं आपका हूं या आप मेरे हैं। ये जगत किसी का हुआ है कि तुम्हारा होगा? ये सब धोखा है। यदि आपको यह धोखा अच्छा लगता है तो आप रहो इस धोखे में। पर मीराबाई तो इस धोखे से बाहर आ गई और उसने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आप लोग इस धोखे से कब बाहर आएंगे डेट बता दो मुझे। आप लोग जो कहते हो ना ये बेटा मेरा है, ये मेरे तो महाराज जी चार बेटे हैं, दो बेटे हैं, हाँ हाँ अच्छे बेटे, भगवान करे आपके बेटे खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाए, खूब इज्जत कमाए, खूब नाम यश हो आपके बेटों का, खूब आशीर्वाद है, लेकिन फिर भी आपका मन वहां से हटके अब प्रभु में लगना चाहिए। आप अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, तरक्की करें, लेकिन मन मन ना लगाना। मन लगेगा तो मन गंदा हो जाएगा, जगत में मन लगेगा तो गंदा होगा ना, भगवान में मन लगे। द्रौपदी ने पुकारा ना, द्रौपदी ने सबको पुकारा पर अंत में कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। सबको बुलाया द्रौपदी ने, गुरु द्रोण बोलो, हे गुरु जी बोलो, पिता माह बोलो, कुछ तो बोलो गुरु जी, कुछ तो बोलो पितामा। अब द्रौपदी ने कहा कि जिन्होंने कभी मेरी
सूरत ना देखी वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जिन्होंने मेरी शकल ना देखी घूंघट डाल के रही हूं, आज सारी समाज के बीच में जब मेरे कपड़े उतरेंगे तो सारा संसार मुझे निर्वस्त्र देखेगा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी। महलों की रानी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने कहा कि आओ कन्हैया, अच्छा जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी ना उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में थे और रुक्मणी मैया उन्हें भोजन करने का निमंत्रण दे रही थी, प्रभु दोपहर हो गई है समय हो गया आप चल के प्रसादी ग्रहण कीजिए। रुक्मणी माँ तो कह रही है कि चलकर गोविंद थाली लग चुकी है, भोग लग चुका है भगवान का, आप चल के प्रसादी पाओ। लेकिन भगवान का मन तो द्रौपदी में लगा है। रुक्मणी माँ ने ध्यान से देखा तो श्याम सुंदर रो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। रुक्मणी माँ ने कहा प्रभु क्या हुआ आप रो रहे हैं? भगवान बोले क्या बताऊं रुक्मणी, आज मेरी बहन पर बहुत बड़ा संकट आया है। आपकी बहन? कौन सी बहन? द्रौपदी पर क्या संकट आया? बोले भरी सभा में उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो रुक्मणी अम्मा ने कहा जाओ जाकर बचाओ। भगवान बोले मैं कैसे चला जाऊं, मैं तो कब से खड़ा हूं हाथ बांधे कि मेरी बहन मुझे पुकारे और मैं जाऊं, मैं तो कब से तैयार हूं रुक्मणी पर मेरी बहन मुझे पुकारती ही नहीं। द्रौपदी ने देर लगाई है बुलाने में, गोविंद ने देर नहीं लगाई जाने में। द्रौपदी ने जब सबको बुलाया भगवान खड़े देख रहे कब बुलाएगी मेरी बहन में कब जाऊं, और जब सबसे थक गई तब द्रौपदी ने कहा आओ कन्हैया। जैसे ही गोविंद को बुलाया हे गोविंद, तो गोविंद में केवल गो निकला मुंह से, विंद नहीं निकल पाया, कन्हैया का केवल का निकला, आगे का शब्द नहीं निकल पाया। इतनी देर में तो दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, साड़ी बनकर खींचने लगे साड़ी बनकर। दुशासन खींचता 10,000 हाथियों का बल दुशासन के अंदर खींचता गया, साड़ी का ढेर लग गया लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। भगवान वस्त्र का अवतार लेकर खींच रहे हैं, जब साड़ी खींच गई दुशासन थक गया तो दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है, कि नारी ही कि साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही कि नारी है ना नारी ही कि साड़ी है, ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है खिंचा जा। तब द्रौपदी ने पुकारा आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे हमारा
कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। हे गोविंद, बताओ भला हमारा आपके सिवा है कौन, कहां जाएं हम, किसको बुलाएं हम, कोई हो सुनने वाला, कोई हो बचाने वाला, आपके सिवा कौन है, हम भला किसको पुकारें, कौन है हमारा। हे गोविंद, आपके सिवा जो हम किसी को जानते नहीं, जिनको जानते थे बुलाकर देख लिया, सबको बुलाया पर सब देखते रहे, आया कोई नहीं, ये संसार केवल तमाशा देखने का है साहब, जरा बुलाकर देख लो किसी को, कोई आ जाए सही वक्त पर तो बताना। इसलिए केवल भगवान के भरोसे, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। हमने तो आपके लिए, जैसे मीरा ने कहा, हमने तो सब छोड़ दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं बस। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। यदि जमाने की तरफ देखोगे तो हमें कैसे बचाओगे। इसलिए प्रभु अब तो बस इस अभागिनी को देख लो, अब तो आप हमें देखो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद अब आप ही कृपा करो। फंसी है भंवर में नैया प्रभु, अब फंसी है भंवर में नैया प्रभु, अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, भंवर अब प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो हम तो डूब जाएंगे। द्रौपदी ने जब पुकारा, भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण किया और द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान बचाते हैं ना, ऐसे आपकी और हमारी भी लाज कौन बचाएगा।
इसलिए भगवान पर क्या रखना। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान आए, क्यों आए? क्योंकि द्रौपदी ने विश्वास से बुलाया। कोई कहे कि जी आज भी बहुत बहन बेटियों की लाज लुटती है, भगवान क्यों नहीं आते? बोले तब बुलाने वाली द्रौपदी थी। आज भी कोई द्रौपदी बनकर द्रौपदी के प्रेम और भाव से बुलाए तो भगवान आज भी आने को तैयार हैं। विश्वास नारी नानी और द्रौपदी का रंग लाया, इसलिए भगवान पर किया गया विश्वास रंग जरूर लाता है। इसलिए मैं आप लोगों से बस हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा कि जगत पर विश्वास करने से पहले जगन्नाथ पर विश्वास करना सीखिए, और जो जगन्नाथ पर विश्वास कर लेता है उसे फिर किसी के विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी के विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप किस पर विश्वास करेंगे? केवल भगवान पर, केवल श्याम सुंदर पर। और जो भगवान पर विश्वास करेगा उसकी प्रार्थना कभी बेकार नहीं होती। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन हो
पद सांवराया। बहना का भाई बन खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। ओ इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। हाँ बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। नहीं होगी बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू कहे सांवरा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। दुनिया में तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी।
मेरी हार नहीं होगी। सावरे हो जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भगवान विश्वास से मिलते हैं, विश्वास नानी और नानी मतलब नानी बाई नरसी जी की बेटी जिनका मायरा स्वयं भगवान ने भरा, विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया, बहना का भाई बन खुद सांवराया, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भगवान के भक्त कभी हारते नहीं, हार मत मानो, अंतिम सांस तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, जब तक भगवान पर विश्वास है चलते रहो, भगवान जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है उन्हीं का साथ देते हैं। तो भगवान विश्वास से मिल गए माता द्रौपदी को, चीर बढ़ाया। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन जिसके पास समय कम है, जीवन कम है, श्वासें कम है, उसे जाग जाना चाहिए, आप सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं, अब जाग जाओ और जाग कर भगवान में मन लगाओ, जिनका मन भगवान में लगा है वो जागे हैं और जिनका मन नहीं लगा वो अभी तक सोए हैं। सुखदेव भगवान ने कहा,
सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासई प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवरहणई किम। ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सुखी व्यक्ति के लक्षण क्या है, सुखी होने के लिए क्या चाहिए, आपसे सवाल, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? हाँ बहुत बढ़िया, आप लेट आए, कहाँ थे, सो रहे थे? अच्छा दर्शन करने गए थे तब तो अच्छा है, सो रहे थे तब तो अच्छा नहीं है। तो सुखी होने के लिए क्या चाहिए? संतोष। जिसके जीवन में संतोष है, चीराणि किं पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्य शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन धर्मदान्धान्। जिसके जीवन में संतोष है वो सदा सुखी होगा। सुखी होने का फार्मूला क्या है? संतोष। और दुखी होने का फार्मूला क्या है? असंतोष। जो व्यक्ति दुखी है मतलब उसके दुख से आप समझ लो कि ये असंतोषी है, और जो सुखी है समझ लो कि भाई साहब बिना संतोष के सुख मिल नहीं सकता, आप लाख प्रयास कर लो। बिना संतोष के सुख मिल नहीं सकता, आप कर लो प्रयास। सुख का मंत्र है संतोष और दुख का मंत्र है असंतोष। इसलिए जितना ईश्वर देते हैं उतने में क्या होना? संतोष। संतोष। पत्नी में संतोष होना चाहिए कि हमारी पत्नी सबसे अच्छी है। पुत्र में संतोष होना चाहिए, पुत्री में संतोष होना चाहिए। जितना कमाते हो उतने में संतोष होना चाहिए कि हम औरों से बढ़िया कमा रहे हैं। जो खाते हो आप, नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, सब्जी रोटी खाओ, छप्पन भोग खाओ, जो खा रहे हो संतोष रखो कि हम बहुत बढ़िया खा रहे हैं, औरों से अच्छा है जिनके पास दो वक्त की भरपेट रोटी भी नहीं। आप जितने अच्छे कपड़े, जो कपड़े पहन रहे हो उसमें संतोष के हम बढ़िया पहन रहे हैं, औरों से तो अच्छे हैं आपके कपड़े, क्यों जी? संतोष। संतोष जहां होगा वहां शांति होगी, संतोष जहां होगा वहां भगवान की कृपा होगी। और जहां रावण को यदि अपनी पत्नी में संतोष होता, मंदोदरी में, और संतोष होता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? बोलो, रावण को अपनी पत्नी में संतोष नहीं था इसलिए तो दूसरों की पत्नियां चुराता फिरता था, हाँ या ना? का संतोष होता तो रावण के पुतले ना जलाए जाते गली गली, क्यों जी? रावण के सर्वनाश में सबसे बड़ा कारण क्या था? असंतोष, क्यों जी? दुर्योधन के सर्वनाश में सबसे बड़ा कारण क्या था? असंतोष। आप इतिहास उठा के देखिए, मूल कारण है असंतोष, और शांति और सुख का मूल कारण है। तो गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन संतोष। अपने पति में संतोष रखो, अपनी पत्नी में संतोष रखो। आप लोगों को संतोष ना होने के कारण यहां वहां ताक झांक करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो वो बृहस्पति की उपासना करे। हमारे यहां ना देवता बहुत हैं। कितने देवता हैं अपने यहां हिंदू सनातन संस्कृति में? 33। और भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं आप बताओ, इनको बताने दो भैया को, भगवान कितने हैं?
एक है और देवता 33। हाँ, भगवान एक है जिनका नाम कृष्ण है, राम है, नारायण है, रूप नाम अलग अलग हैं, तत्व एक है। हमारे यहाँ देवता बहुत है, देवता 33 करोड़ हैं। क्यों? हर फील्ड के अलग अलग देवता। बड़ा काम है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, इतनी बड़ी सृष्टि है, तो सबको भगवान ने काम सौंप रखे। आपकी एक फैक्ट्री होती है ना, तो उसमें 50 कर्मचारी होते हैं, थोड़ा बड़ी हुई तो 100 कर्मचारी होते हैं, थोड़ा और बड़ी हुई तो 150 कर्मचारी। जितना बड़ा कारोबार होगा आपके कर्मचारी उतने बड़े, ऐसे भगवान की सृष्टि के ये देवता कर्मचारी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता। अग्नि को कार्य मिला जलाने का, वरुण देव को कार्य मिला जल का कि भाई तुम जल के देवता बनो, जल तुम्हारे अंडर में, ये जल मंत्री हैं, ये अग्नि मंत्री हैं। सब देवताओं को अलग अलग सौंपा ना, ये वरुण देवता है, ये जल देवता, ये अग्नि देवता, ये वायु देवता। इन सब देवताओं का मुखिया बना दिया इंद्र को, राजा। क्या बना दिया? ये देवता है। अच्छा, देवताओं के पास भी पावर है, लेकिन इनके पास बेचारों के पास एक पावर है। इनके पास कितना पावर है? एक एक। जैसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, माया देवी के पास केवल लक्ष्मी। जैसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना, अग्नि के पास एक तेज। जिसे अन्न चाहिए वो अदिति की उपासना करे, उसे अन्न मिलेगा। मतलब हर देवी देवताओं के पास एक एक पावर दे रखा है, लेकिन सबके पावर भगवान है। जो भगवान की शरण में चला जाता है तो सारे मंत्री संतरी सारे देवता उनके पीछे पीछे डोलते हैं, जो चाहिए ले लो। हनुमान जी तो राम के पीछे दौड़े तो सब हनुमान जी के पीछे दौड़ गए, सब किसके पीछे दौड़ गए? हनुमान जी के पीछे। क्या आ गए? अष्ट सिद्धि। हनुमान जी के पीछे क्या है बोलो? अष्ट सिद्धि। नवनिधि के दाता, अश्वर दीन, जानकी माता। तो जो राम के पीछे दौड़ेगा तो उसके पीछे संसार का प्रत्येक सुख दौड़ेगा, और जो राम को छोड़कर सुखों के पीछे दौड़ेगा ना उसे सुख मिलेगा ना उसे राम मिलेंगे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। मैया क्या बोलती तू? हाँ या ना? हाँ। तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भगवान की शरण में हनुमान जी गए तो फिर हनुमान जी को किसी और की शरण में जाने की जरूरत? हाँ, इसलिए अकामह सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। जो एक भगवान की शरण में है फिर उसे किसी के, इसलिए तो कहा और देवता सब नहीं बोलेंगे, टुप्पी टाप रहो, ये चौपाई मेरे संग कौन बोलेगा? ये भैया बोलेंगे। बोलो और देवता। हाँ, इसका अर्थ बताओ आप। और देवता चित्त न धरे, इसका अर्थ बताओ आप। नहीं, नहीं लगता ऐसा नहीं। अरे शोर कौन कर रहा है भाई? भैया मोबाइल वाले बात कम कर लो। चलो बताओ, और देवता चित्त न धरे, इसका अर्थ क्या हुआ? चश्मा वाले भैया बताएंगे पीछे। हाँ, और देवता चित्त न धरे हनुमत से ये सर्व सुख। इसका अर्थ हुआ कि जिसने हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लिया, जिसने राम को अपने हृदय में बसा लिया, उसे देवताओं की भक्ति, देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं, उन्हें चित्त में रखने की जरूरत नहीं। जो राम की भक्ति कर लिया वो सबकी हो गई, अलग देवताओं की और देवताओं के चक्कर में ना पड़ो। ये देवता तो व्यवस्थापक हैं, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए।
भक्ति भगवान की करो, देवताओं की नहीं। लेकिन कुछ लोग भैरव की भी पूजा करते हैं। लिखा है स्पष्ट कि और देवता और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत, तो चित्त में किसे रखें? हनुमान जी को रखो तो हनुमान जी के चित्त में राम जी हैं, तो हनुमान जी को चित्त में रखोगे तो राम जी अपने आप चित्त में आ जाएंगे। कृष्ण को चित्त में रखो, भगवान को चित्त में रखो, और देवता चित्त ना, और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं। एक भगवान एक साधे सब सद है, एक भगवान में मन, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक जानते हैं? चातक नाम का एक क्या होता है क्या होता है मैया? पक्षी। वो चातक नाम का पक्षी, उसकी विशेषता क्या है आप बताइए? चातक तुलसीदास पक्षी है। एक पक्षी है जो चांद को खूब देखता है, और एक पक्षी और होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, वरना मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा। तो जैसे एक ही नक्षत्र का पानी पीता है, एक ही चांद को देखता है, इन सब की एकाग्रता एक में है, उसी तरह आप भी अपने मन को एक प्रभु के, एक राम एक कृष्ण के चरणों में, राम और कृष्ण, राम प्लस कृष्ण बराबर। चलो आप बहुत बता चुके, आप बताओ, राम प्लस कृष्ण बराबर एक राम एक कृष्ण, एक राम प्लस एक कृष्ण बराबर वन प्लस वन बराबर एक प्लस एक बराबर एक धन एक बराबर एक धन एक बराबर बता दस। राम प्लस कृष्ण बराबर नारायण, राम प्लस कृष्ण बराबर, राम भी नारायण है और कृष्ण भी, तो राम प्लस कृष्ण बराबर दो नहीं एक, ये दोनों राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। तो हम राम नाम लें या कृष्ण नाम लें, दोनों का मतलब एक समझना है आपको। तो राम प्लस कृष्ण बराबर नारायण, राम कृष्ण प्रश्न, राम प्लस कृष्ण बराबर एक ही है, दो नहीं है। यहां एक धन एक बराबर दो नहीं, एक धन एक प्लस बराबर एक ही होगा, दो नहीं होंगे यहां, ये गणित अलग है थोड़ी सी। यहां 24 का मतलब भी एक होता है, यहां 24 का मतलब भगवान नारायण के कितने अवतार हैं, जोर से 24। अब 24 को जोड़ लो तो भी एक ही आएगा, क्योंकि एक नारायण के ही 24 अवतार हैं, वो एक से दो तो हुए ही नहीं ना। एक बात बताएं, वैसे भी होता तो एक ही है, लेकिन आदमी एक को ही दो गिनता है। मैं गिन के बताऊं, कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे आपके लिए, तब अगर बताऊंगा गिन के। सुनो, अब क्या है, हम लोग गिनते कैसे हैं, ये देखो, ये आप लोग कैसे गिनते हैं, मैं गिन के बताता हूं। होता एक है, ये कितने हैं, कितने हैं बताओ, कितने हैं, ये तीन, लेकिन अभी मैं सिद्ध कर दूंगा कि एक है। देखो, एक एक दो, आपने से क्या गिना, दो गिना, पर क्या ये दो है? आपने से दो गिना, क्या ये दो है? तीन, क्या ये तीन है?
एक्चुअली होता एक ही है। क्यों जी बताओ, फिर से आपको सिखाएं पैसे गिनना और निकाल लें। हाँ अब बहुत हो गए, अब आप लोग गिनना, हमसे आता नहीं है गिनती विनती, गिनो। एक दो, दो दो गिनो पूरा, अपने तरीके से गिनो, हमारे तरीके से नहीं। एक दो तीन गिनो, चार पांच छह, क्या ये छह है? आप एक को ही तो छह गिन रहे हैं, एक को ही तो दो गिन रहे हैं, एक को ही तो चार गिन रहे हैं, एक को ही तो आप 99 गिन रहे हैं। 99 है ही नहीं, एक है। उसी तरह ईश्वर एक है, अब आप उसे कितना भी गिन लो, कितना भी मान लो, वो है एक, वो रहेगा एक का एक, वो दो नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। लेकिन व्यवहार में उसे बहुत कह दिया जाता है, जैसे आप यहां पैसे तो हैं, एक ही जा रहा था लेकिन आप दो तीन चार गिन रहे थे, पर व्यवहार में तो गिनती ऐसी करनी पड़ेगी ना, वरना हिसाब गलत हो जाएगा। व्यवहार में तो कहना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, लेकिन गहराई से देखो तो वो है एक। उसी तरह 84 लाख योनियां हैं, बोलो कितनी कितनी, चींटी हाथी मकड़ी पक्षी पशु बकरा बकरी, 84 बंदर भालू शेर, 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य स्त्री पुरुष 84 लाख योनियां हैं, लेकिन इन 84 लाख योनियों में है कौन? वही एक। 84 लाख भी आप गिनोगे तो प्रत्येक एक ही है। गिनते जाओ 84 लाख तो है तो एक ना, तो मतलब प्रत्येक योनि में है कौन? वह एक। इसलिए भगवान को एक कहा गया, इसलिए भगवान को एक, ईश्वर एक है। इसलिए हमारे जो सिख भाई होते हैं ना, सिख भाई, वो एक, उनके जाके गुरुद्वारे पे देखो तो एक लिखा रहता है। एक, एक का कितना गहरा मैसेज है, समझ रहे हैं आप? एक मतलब ईश्वर एक है, एक। एको ब्रह्म हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, एको ब्रह्म ईश्वर एक है। तो 84 लाख योनियों में वो एक ही समाया है, वो एक ही हम सब में समाया है। तो उस एक में मन लगाया जाए, संसार से मन हटाकर सुखदेव भगवान ने कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया ग्रहीत शक्तित्रितयाय देहिना मंदर भवायानुपलक्ष वर्त्मने। नमः परस्मै, आज सुखदेव भगवान भगवान को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके भगवान सुखदेव भगवान सृष्टि का क्रम समझाते हैं। सबसे पहले सृष्टि जब हुई तो कैसे सृष्टि हुई? भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला था? भैया आप बताओ, पीछे वाले भैया आप, भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला था? क्या निकला? राक्षस। कान से भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से क्या निकला? भैया बताओ, चश्मे वाले भैया, पीछे वाले, इनके पीछे, नहीं मालूम क्या निकला? हाँ कमल। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से क्या निकला?
कमल, कमल में एक पुरुष प्रकट हुआ। क्या नाम था उस पुरुष का? ये मैया बताएंगी लाल। क्या नाम था उस पुरुष का? नहीं, आप वहां नहीं थी ना? नहीं महाराज, हम वहां थे ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं? कौन मैया बताएंगी? ये मैया ब्रह्म भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, तो कमल में कौन प्रकट हुआ? बोलो मेरी मां। नहीं बोलोगी? ब्रह्मा जी। कौन प्रकट हुआ? सत्संग नहीं करती हो मेरी मां, पंचायत करती रहती हो बच्चों के साथ, सत्संग किया करो। फिर ब्रह्मा जी के कितने सिर हुए? ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? आठ। आप बताओ बीच वाली बहन। चार। चारों दिशाओं में देखे तो ब्रह्मा जी के चार सिर प्रकट हो गए, चार मूड़, चार सिर, चार मुख प्रकट हो गए। चारों मुखों से फिर एक एक वेद प्रकट हुआ, जो चार वेद कहलाए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं लगा कि मैं प्रकट कहां से हुआ। तो जिस कमल पर प्रकट हुए ना, उस कमल की डंडी पर, नली पर नीचे की तरफ गए देखने के मैं कहां से आया। हजारों साल तक चलते रहे वायु के वेग से, लेकिन उन्हें अंतिम छोर नहीं मिला। तब वापस आए, तब ब्रह्मा जी के कानों में कुछ दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। क्या हो गया? ता तलवार का और पा पतंग का। क्या दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ? तप। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े तप, तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। और जब तप करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, तब भगवान श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें मैंने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए प्रकट किया है, जाओ अब तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मैं उत्पत्ति तो करूंगा, कहीं मुझे घमंड आ गया, क्योंकि आज तो सरपंच बन जाए कोई, तो सरपंच भी फिर ऐसे ऐसे चलने लग जाता। आदमी तो जरा सा पद पाकर घमंडी हो जाता है, तो फिर आप मुझे ब्रह्मा बना रहे हैं और कहीं मुझे घमंड आ गया तो। तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हें चार सूत्र देता हूं, ये चार मंत्र याद रखना, तुम्हें कभी घमंड नहीं आएगा। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने चार श्लोकों की भागवत सुनाई थी। सबसे पहले भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं, ये सामान्य नहीं है साहब। ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने भागवत सुनाई, सबसे प्रथम। तब भागवत जी चार श्लोकों की हुआ करती थी, चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत सदसद परम पश्चादहम यदि तच्च यो वसिष्येतसोऽस्म्यहम्। इसका अर्थ है, अहमेवासमेवाग्रे, शुरू में भी ब्रह्मा जब आप नहीं थे तब भी मैं था, आप हो तो भी मैं हूं, और आप नहीं रहोगे तो शेष मैं रहूंगा। इसलिए ये घमंड मत करना कि मैं कर रहा हूं। घमंड कब आता है? अभिमान तब आता है जब आप स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं कि मैं कर रहा हूं। अभिमान कब आता है? जब आप अपने को क्या समझ लेते हैं? कर्ता। यदि आप कर्ता भगवान को माने तो क्या घमंड आपको आएगा? घमंड आपको तब आएगा जब आप स्वयं को कर्ता समझेंगे, और कर्ता भगवान को मानेंगे तो घमंड नहीं आएगा। इसलिए अपने को कर्ता मत मानो। जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो करने वाले भगवान है, मैं नहीं हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं नहीं हूं कुछ भी।
करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। तो जो अपने को करता मानेगा वो घमंड आएगा, और रावण जैसों का घमंड टिका नहीं तो तुम्हारा हमारा क्या चलेगा रे बाबा। आपका घमंड चलेगा फिर तो। कर्ता भगवान को मानो, ब्रह्मा जी ने कर्ता भगवान को माना, फिर स्तुति की भगवान की ब्रह्मा जी ने, और सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया ब्रह्मा जी ने। फिर 10 प्रकार की, भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन हुआ। भगवान जब लीला पूरी करके गए तो विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी महाराज ने उपदेश किया। ब्रदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। भगवान शांति दूत बनकर गए थे ना, तब विदुर जी के घर गए थे, दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए थे और विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए थे। ये भगवान की भगवत्ता है कि भक्तों के यहाँ जाकर प्रसादी पाते हैं भगवान। फिर विदुर जी ने पूछा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, जब मैत्री जी के पास हरिद्वार गए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम मान्य दुपारवम वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदे न। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है पर दुख मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि दुख मिलता है? क्योंकि संसार में दुख के सिवा कुछ है कहां। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख, बता? पीछे वाले भैया बताएंगे चश्मा लगाए बैठे। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? हाँ, दुख ज्यादा है। आप बताइए भैया काली मूछों वाले, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? जिस तरह से नजरिया हो एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। आप बता दीजिए आपके बगल में दुख ज्यादा है, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? ये मैया बताएंगे पहले। दुख ज्यादा है इस तरफ वाली मैया, जैसा नजरिया वैसा सुख दुख, ठीक। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख, ये प्रश्न था। उत्तर आप लोगों ने अपने अपने तरीके से दिया। अब देखो, संसार में ना तो सुख है ना तो दुख है। संसार में ना तो सुख है ना दुख है। आप अपनी तरीके से, आप अपने हिसाब से तय करते हैं कि इसे हम सुख माने या दुख माने, फिर वो मानकर आप सुखी या दुखी होते हैं। उदाहरण से समझते हैं इस बात को। छोटा सा बच्चा है, जब वो टॉफी के लिए मचलता है और माँ टॉफी नहीं दिलाती तो छोटा सा बच्चा क्या करता है? रोने लग जाता है। अब वो ऐसे रोता है आंसू टपका के जैसे बहुत बड़ा दुख हो इसके जीवन में, लेकिन रो किसके लिए रहा है? एक 25 पैसे की टॉफी के लिए। तो माँ समझती है ना किसे कोई दुख भुख नहीं है, लेकिन उसे तो ये लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरी माँ तो इतना अत्याचार कर रही है मेरे साथ, टॉफी भी नहीं दे रही है। उसे क्या लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं। बच्चे की नजरिए से ये, बच्चे के नजरिए से ये लगता है कि मैं दुखी हूं, जबकि माँ के नजरिए से लगता है कि ये दुखी नहीं है, क्यों जी? हाँ या ना? उसी तरह ना तो संसार में सुख है ना तो दुख है। यदि आपकी इच्छाएं पूरी हो गई तो आपको लगता है बड़ा मजा आया, बड़ा सुख मिला, और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हैं। कामनाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है और कामनाओं की पूर्ति ना होना ही
सुख और दुख को आप कैसे परिभाषित करेंगे? जरा सुख को परिभाषित कीजिए। सुख की परिभाषा क्या है? इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति हो जाना। जैसे आपके इच्छा है कि मेरा घर बन जाए और घर बन गया तो सुख, और इच्छा है कि घर बन जाए और नहीं बन पाया तो दुख। आपकी इच्छा है कि फलाने लड़के से मेरा विवाह हो जाए, हो गया तो सुख, नहीं हो पाया तो दुख। मतलब आपकी इच्छा के मुताबिक जो काम हो जाए वो सुख है, और जो इच्छा के मुताबिक ना हो वो, ये सामान्य परिभाषा है सुख और दुख की। क्यों जी? तो सुख दुख है क्या संसार में? भाई पानी में कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। आप हरा डाल दो तो पानी हरा, आप पीला डाल दो तो पानी पीला, गुलाबी डाल दो पानी गुलाबी। उसी तरह संसार पानी की तरह है। एक आदमी मर गया, तो लोग रो रहे थे कि तभी एक संत जी वहां से निकले तो वो हंस रहे थे। लोगों ने कहा कि सब रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। बोले क्यों संत जी, आप क्यों हंसे? संत जी बोले भैया हम तो इन सब को रोते हुए देखकर हंस रहे हैं कि कितने मूर्ख हैं। ये रो रहे हैं, इनसे पूछो कि इनके रोने से इनका क्या फायदा है, पूछो जरा इनसे पूछो कि ये क्यों रो रहे हैं। अरे बोले उससे प्यार था, उसके लिए रो रहे। अच्छा तो रो रहे हैं तो क्या वो वापस जिंदा हो जाएगा इनके रोने से? फिर आप क्यों रोते हैं? मतलब आप रो रहे तो रो तो रहे हैं आप, लेकिन उस रोने का कोई अर्थ है? कोई मर गया और आप रो रहे हैं, रो तो सारा संसार रहा है लेकिन उस रोने का कोई अर्थ है? मरे हुए आदमी के लिए रोने से कोई लाभ है तो मुझे जरा लिखवाओ, मैं डायरी में लिख लूं अपनी, कोई लाभ है? क्यों रोते हैं? अज्ञान बस। पहली गलती तो आप ये करते हैं कि आप उस आदमी को अपना मान लेते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, और जब वो मर जाता है तो आप रोते हैं। भैया रोने का मूल कारण क्या है? लोग, हजारों लोग रोज मरते हैं, आप सबके मरने में नहीं रोते, लेकिन जो आपका अपना मरता है उसके मरने में, तो मरने का, रोने का, दुख का कारण है मोह। दुख का मूल कारण क्या है? यदि आपको उस व्यक्ति से अटैचमेंट ना होता, लगाव ना होता, तो आप क्यों रोते? आप रो इसलिए रहे हैं क्योंकि उससे आपका तन का और मन का रिश्ता है। यदि तन का और मन का रिश्ता ना होता तो आप ना रोते। मतलब रोने का, दुख का मूल कारण क्या निकल कर आया? मोह। यदि मोह ना होता तो आप क्यों रोते? तो मतलब आपके, आपको कोई दुख नहीं है, आपको मोह, वो मोह आपको दुखी करता है, इच्छाएं आपको दुखी करती हैं, और आपको क्या लगता है? हमें तो भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान किसी को दुख थोड़ी बांटते हैं। आपका मोह, आपकी तमाम इच्छाएं आपको दुखी बनाती हैं। चलो बताओ संसार का नाम क्या है, आप बताइए संसार का नाम क्या है? हाँ, संसार को क्या नाम से बुलाते हैं? जैसे इसे, ये कौन सा लोक है? हाँ, जैसे ये मृत्यु लोक है, इसे कौन सा लोक बोलते हैं? मृत्यु लोक। इस लोक का एक नाम और है, ये कौन सा आलय है? दुखालय। गीता में भगवान ने संसार का एक नाम बताया, दुखालयम। संसार का एक नाम क्या है? दुखालय। अच्छा, पुस्तकालय में क्या मिलती है? औषधालय में क्या मिलती है? भोजनालय में क्या मिलता है? तो दुखालय में क्या मिलेगा? हाँ, तो संसार का नाम दुखालय है, तो यहां दुख ही मिलेगा, लेकिन आपने उम्मीद सुख की लगा रखी है, ये उम्मीद ही आपको दुखी करती है। आप दुखालय में आकर के सुख मांग रहे हैं,
औषधालय में जाके आप बोले भैया जरा पराठे देना, पराठे भैया दही पराठा दो, तो भैया औषधालय में दही पराठा थोड़ी मिलेगा, भोजनालय में दही पराठा मिलेगा क्यों जी? पुस्तकालय में आप जाके कहो भैया जरा खांसी की दवाई दो, तो पुस्तकालय में खांसी की दवाई नहीं मिलेगी, औषधालय में खांसी की दवाई मिलेगी। भाई जो जहां मिलता है वहीं ना जाना पड़ेगा, तो औषधालय में औषधि, भोजनालय में भोजन, पुस्तकालय में पुस्तक, तो दुखालय में, इसलिए संसार में आपको क्या मिलता है? दुख। लेकिन आप इस दुख को सुख समझ लेते हैं। जैसे कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबाता है, आपने कभी कुत्ते को हड्डी चबाते देखा? कुत्ता हड्डी दबा के ना मुंह में भागता है, और हड्डी को ना कोई भी हड्डी मिल जाए कुत्ते को, कुत्ता हड्डी दबाता और कुतरता रहता है, काटता रहता है, काटते काटते क्या होता है, हड्डी तो बिल्कुल कठोर होती है, तो हड्डी से ना उसके मसूड़े छिल जाते हैं, तो मसूड़ों का खून जाके हड्डी में लगता है, फिर कुत्ता उस खून को चाट लेता है, तो कुत्ते को लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, कुत्ता तो कुत्ता है, उसे गलतफहमी हो जाती है कि ये खून हड्डी से निकलता है, और वो चबाता रहता है, कुत्ते को लगता है बड़ा मजा आ रहा है, वो हड्डी का खून नहीं है पगले, तेरे ही खून है, लेकिन उसे लगता है कि हड्डी से निकल रहा है। ऐसे ही आपको लगता है संसार में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा, मजा नहीं है ये, मजा जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी है, वो सुख आपके अंदर है, आ नहीं रहा है, जा रहा है, आपको लगता है बड़ा मजा आया। अच्छा ये बताओ आपको भी बड़ा मजा आया कि नहीं? किसमें? कभी कभी सोने में मजा आता है, कभी कभी खाने में मजा आता है, शादी हो गई बड़ा मजा आया, ये बताओ ये जो मजा आता है तो आके चला कहां जाता है? कहां है अब वो मजा, कहां गया? आप लोगों ने भी बहुत मजे लिए, खाने का, सोने का, भोगों का, हर मजे आपने लिए, जरा मुझे बस इतनी बताओ कि जो मजा आया वो आया तो गया कहां? क्या है वो अभी आपके पास? जो क्षणिक सुख है वो सुख तो आता है और जाता है, रहता नहीं है, और आप लोग उसी क्षणिक सुख के लिए पागल हैं, जो जरा क्षणिक है उसे क्षणिक कहते हैं, क्षणिक जरा सी देर, चाहे वो खाने का सुख हो, पैसों का सुख हो, भोगों का सुख, कोई भी, सारे सुख उसके अंतर्गत, क्षणिक सुख के लिए आप सारी जिंदगी परेशान होते हैं। इसलिए सुख कहां है? सुख चाहते हो तो भगवान की ओर अपने मन को मोड़ लो और भगवान में लग जाओ, सुख प्राप्त होगा। संसार में केवल दुख है, नाम है दुखालय, संसार में दुख के सिवा कुछ ना मिलेगा। आपको लगता जरूर है कि शादी हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा, हो जाए कर लो भैया, शादी के बाद फिर देखना बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। शादी के बाद आपको लगता है कि पैसा, नौकरी नहीं लगी तब तक लगा, नौकरी लग जाएगी बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा लग गई नौकरी सुख मिला, सारी जिंदगी आपको तलाश किसकी है? शादी नहीं हुई तो लगा शादी के बाद सुख मिलेगा, बच्चा नहीं हुआ तो लगा बच्चा होने के बाद सुख मिलेगा, नौकरी नहीं लगी तो लगा नौकरी मिलने के बाद सुख मिलेगा, घर नहीं बना तो लगा कि बन जाने के बाद सुख मिलेगा, सारी जिंदगी सुख की तलाश में निकल गई। बताओ क्या वो तलाश पूरी हुई? सुख मिला? मिला तो दिखाओ, दिखाओ फिर हमें, हम भी देखें किस कलर का है वो सुख, कैसा है वो सुख। आप लोगों को अभी सुख मिला नहीं, सुख की तलाश में आप लोगों के बाल सफेद हो गए, फिर मेहंदी पोत पोत के काला कर लिया, तसल्ली है कि नहीं जी? अभी हम पूरे बूढ़े थोड़ी हुए,
अभी तो आधे बूढ़े हैं हम। तलाश किसकी है, सुख की मिला नहीं? अरे जहां सुख मिलेगा वहां आते नहीं आप, और जहां नहीं मिलना वहां भाग रहे हो। सुख चाहिए जीवन की यात्रा तब पूरी होगी, जीवन का लक्ष्य तब मिलेगा जब मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। सुख तब मिलेगा जब प्रभु में मन लगेगा, लेकिन आपका मन तो जगत में भटक रहा है। बूढ़े बूढ़े लोग रुपयों की गड्डी गिन रहे हैं, ये उम्र तुम्हारी गड्डियां गिनने की है कि नाम जपने की है, कथा सुनने की? बहुत जवानी में खूब पैसा कमाना चाहिए और बुढ़ापे में खूब परोपकार की भावना रखनी चाहिए। खूब परोपकार की भावना रखो, जो कमाया है उसको समाज की सेवा अच्छे काम में लगाओ, बच्चों को लायक बना दो बस, और सेवा करो। क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा धन संग चलेगा? कागज के टुकड़े सबके यहीं रह जाएंगे। हाँ, कौन सा धन जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पा, राम नाम का धन संग चलेगा। कमा लो, शांति चाहते हो तो आओ शरण में भगवान की, कहो हृदय से प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। अब नाता एक राम जी से और दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की और दूजी आशा। अब इसमें शांति है, कल्याण है। अब ना तुम धक्के खाओ जगत के, अब रंगाना है तो बालों को नहीं मन को रंगाओ। अब रंगाना है तो लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मूछें रंगा के बंदे बालों को रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ, मन को रंगाना पगले कपड़े रंगा तो क्या हुआ। क्या रंगाना सही है? जोर से मेरी माँ, क्या रंगाना सही है? मन और लोग क्या रंगा रहे हैं? इसलिए आपकी तलाश अभी जारी रहेगी 10-20 जन्म तक, जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तब तक, और बात मान लोगे तो इसी जन्म में तलाश पूरी। हाँ, मान मेरा कहना, कहना मान लो मेरी माँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ ना हाँ ना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अजी मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी।
है बेटा बेटा क्या करता है बेटा 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 क्या करता है बेटा 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 क्या करता है बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा हाँ मिट्टी का खिलौना बेटा ही काम आने वाला है वरना हाँ बेटी बेटी क्या करता है बेटी बेटी क्या करता है बेटी 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 क्या करता है बेटी 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 क्या करता है बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा तेरी एक दिन जमाई ले जमाई ले जाएगा तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा पड़ोसी तो एक दिन जला के चला के चला के चला आएगा पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा और धन दौलत तेरे कोठी बंगले धन दौलत तेरे कोठी बंगले इनसे ममता छोड़ दे पगले इनसे ममता छोड़ दे पगले सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में
मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा करने वालों, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब बताओ कहाँ गया आपका मजा, मजा कहाँ है भगवान के चरणों में, सुख कहाँ है? इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, पहली सृष्टि महातत्व की, फिर अहंकार की, भूत सर्ग की ऐसी, फिर मनुष्यों की, फिर देवताओं की, फिर युगों को चार युग प्रकट किए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चार युगों की आयु सुनिश्चित हुई। कलयुग, ये कलयुग की आयु कितनी है, कलयुग की आयु कितनी है? 432,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? हाँ, द्वापर की आयु है 864,000 वर्ष और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। कलयुग की आयु सबसे कम है, 432,000 वर्ष। अभी कलयुग के कितना टाइम हुआ निकले आए, अभी कलयुग कितने साल का हुआ है? अभी कलयुग 432,000 वर्षों में ना, कलयुग के केवल 5,500 साल गुजरे हैं अभी। अभी तो कलयुग पैदा हुआ है, बच्चा है जरा सा, इसकी जवानी आने दो, देखो कैसे उधम मचाएगा ये। अभी कलयुग की शुरुआत में देखो ना, 90% लोग मांसाहारी हो गए केवल शुरुआती में, और कलयुग की जब चरम सीमा आएगी तो अभी तो आप बकरा बकरी का मांस खाते हो, फिर तो दादाजी मर जाएंगे, तो दादाजी को कोई जलाएगा नहीं, पका के खा जाएंगे। हाँ, कलयुग के अंत में आदमी आदमी को खाएगा, अभी तो दादाजी को जलाते हैं फिर पका के खाएंगे, एक दिन सिर खा लिया, एक दिन हाथ पांव खा लिए। आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस खाया जाता है। भाई बकरा बकरी तो खा ही रहे हैं, अब जो बकरा बकरी खा रहे हैं मांस खा ही रहे हैं, अब वो चाहे मछली का खाएं आदमी का खाएं, उनके लिए तो सब 22 पसेरी है, सब एक साथ क्यों जी? हाँ या ना? तो ये कलयुग के, जब कलयुग अपनी जवानी में आएगा ना तब ये हाल करेगा। अभी तो कलयुग बच्चा है ना, पैदा ही हुआ है। अब कोई किसी की आयु 5 साल हो तो 5 साल किसी की आयु है तो उसे बच्चा ही माना जाएगा ना, 5 साल का मतलब बच्चा है। तो कलयुग भी 5,500 साल का, मतलब 5, अभी तो लाखों उम्र बाकी है उसकी, कलयुग की शुरुआत है ये। कलयुग की शुरुआत में सत्य मानो खत्म, सत्यम नास्ति, सत्य खत्म हो गया, अब साथ सत्य बोलने वाले लोग बचे कितने हैं? झूठ कपट छल का बोल वाला है आज, बेईमानी का बोल वाला है आज, ये कलयुग की शुरुआत है, जरा जाने तो दो, और चरम सीमा जब आएगी तो दूर दूर तक कहीं सांच नहीं दिखेगा, सत्य नजर नहीं आएगा। अपने अपनों को धोखा देने लग जाएंगे, भाई भाई का खून का प्यासा बन गया, देखो बन गया। कलयुग का जब जवानी आएगी तो कलयुग में आदमी छोटे छोटे होने लग जाएंगे। अभी आपकी
आपकी ऊंचाई लंबाई कितनी है? कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है। कलयुग जब आखिरी में आएगा तो आदमी केवल 2 फीट और 3 फीट का रह जाएगा। अभी आप कितने फीट के हैं? आपकी ऊंचाई कितनी है? 5 फीट 8 इंच। अभी लगभग 6 फीट के लोग मिलते हैं, 5 फीट 5.5 फीट के तो सामान्य मिलते हैं, सब हम सब 5.5 के लगभग के हैं। कलयुग का जब अंत आएगा तो हम सब के कद छोटे हो जाएंगे। हम सब 2 फीट का आदमी रह जाएगा। अभी भी सैंपल के लिए भगवान ने कुछ पीस भेजे हैं आपको, संसार में कुछ सैंपल मिल जाएगा जो 2 फीट के 3 फीट के लोग हैं, हाँ या ना? तो ये सब सैंपल दिखने लगा, सब ऐसी, फिर बाद में सब ऐसी होंगे, कद छोटा हो जाएगा कलयुग के अंत में। और इतना छोटा हो जाएगा आदमी कि बरसात में जो घास होती है ना, उस घास में हम लोग गुम हो जाया करेंगे। इतना छोटा हो जाएगा आदमी। उम्र रह जाएगी केवल 10 साल। 10 साल में ही आप बच्चे पैदा करके बूढ़े होके मर जाओगे। अभी 100 साल है, अभी कितने साल है? अभी 100 साल है। 25 साल में आप ब्याह कर लेते हैं, 30 साल तक बच्चे बच्चे हो जाते हैं, 40 साल आते आते आप थोड़ा, 50 साल आते थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, थोड़ा बुढ़ापे का आनंद लेके फिर आप जाते हैं। और कलयुग का जब अंत आएगा तो आदमी की केवल 10 साल की उम्र होगी। 4-5 साल की उम्र में तो शादी ब्याह हो जाएगी, शादी ब्याह कर लो, और फिर 6 साल तक तो बच्चे भी हो जाएंगे, और 8-9 साल मतलब बहुत बूढ़ा हो गया, और 10 साल तक तो छुट्टी। कलयुग के अंत में बस ये रह जाएगा। कलयुग का अंत बड़ा भयंकर है। तो कलयुग की शुरुआत में हम लोग फिर भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे समय में भगवान की कथाएं, भगवान का नाम जप हो रहा है, लोग भक्त हैं, संत हैं। कलयुग के अंत में ना तो संत होंगे ना भक्त होंगे, धाम भी लुप्त हो जाएंगे, नदियां भी लुप्त हो जाएंगी, गंगा यमुना सरयू सरस्वती सब लुप्त हो जाएंगी। अभी आप देख लो ना, गंगा जी लुप्त होने की स्थिति में तो अभी है, पहले कितना बड़ा पाट था गंगा जी का, कितनी चौड़ी थी, अब देख लो जरा सी बची। यमुना जी पहले कितनी बड़ी थी, पहले यमुना जी थी, अब तो यमुना मैया कम बची, नाला ज्यादा रह गए, नाला ज्यादा है, मैया तो कम बची। तो अभी ना वो लुप्त होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है, अभी लुप्त है तो आगे चल के तो ये बचेगा ही नहीं कुछ। लुप्त हो ये सदग्रंथ, ना कोई गीता पढ़ने वाला रहेगा, ना कोई गीता सुनाने वाला रहेगा। कलयुग का अंत आएगा तो ना ऐसी भागवतें आपको सुनने को मिलेंगी, कहीं कीर्तन होता नजर नहीं आएगा आपको, अभी कहीं कीर्तन नजर नहीं आता। अभी आप गांव में, आपके शहरों में चले जाओ, ढूंढे ढूंढे कहीं कीर्तन होता नहीं नजर आता, कहीं इक्का दुक्का चलता है। अभी कलयुग देखने को खूब तरीके, मैया मैया सो लो मेरी माँ, कलयुग बोल रहा है तुम मत सुनो। तो कलयुग ऐसा होगा। तो कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, 4 पुत्रों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर कहा सृष्टि करो, उन्होंने कहा 5 साल के रहेंगे। उन्होंने फिर शंकर जी को भ्रकुटी से ब्रह्मा जी ने शिव को प्रकट किया, शिव जी से कहा सृष्टि करो, तब शिव जी ने सृष्टि की तो भूतों की रच दी, ब्रह्मा जी ने मना किया आप मत करो। इसके बाद आगे का क्रम चालू हुआ और आगे सृष्टि, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा को प्रकट किया, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अन्य पुत्रादियों को और पुत्रों को उत्पन्न किया, पर ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र हुए और ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा हुए।
तो मनु शत्रुपा ने सृष्टि करना तो चाहा, पर पृथ्वी नहीं हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को छिपा ले गया। तब बाराह भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। बाराह भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी को स्थापित किया हिरण्याक्ष को मारकर। इसके बाद सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। अच्छा, मैथुनी सृष्टि जब से स्टार्ट हुई उस सृष्टि में पहले पुरुष का जन्म हुआ कि स्त्री का? कौन बताएगा पहले कौन आया, पुरुष की स्त्री? आप बताओ। पहले पुरुष का जन्म हुआ धरती में कि स्त्री का? हाँ, 57 संतोषी मां। आप बताओ दोनों का? नहीं, एक का हुआ, दोनों कैसे? पहले कौन आया स्त्री पुरुष में, पहले किसका जन्म हुआ? पहले जन्म हुआ स्त्री का। कोई आपसे सवाल कर दे कि इस धरती पर पहले स्त्री आई कि पुरुष? मैथुनी सृष्टि की बात कर रहा हूं। जब से पति पत्नी का जो संबंध होता है, पति पत्नी के संबंध से जो पहली संतान हुई वो पुरुष था कि स्त्री थी? तो पहले लड़की थी। 3 बेटियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री का नाम पहले होता है। राम का नाम बाद में है, सीता का नाम पहले सीता राम, लक्ष्मी का नाम पहले नारायण का नाम बाद में लक्ष्मी नारायण, गौरी का नाम पहले शंकर का नाम बाद में गौरी शंकर, राधा का नाम पहले कृष्ण का नाम बाद में राधे कृष्ण। पहली सृष्टि स्त्रियों की है, इसलिए स्त्रियों का ज्यादा पावर है। क्यों मैया? अच्छा, पुरुष बलवान होता है कि स्त्री? जोर से जोर से। स्त्री इतनी बलवान होती है कि कितना भी बड़ा पहलवान हो चित्त कर देती है। इसलिए स्त्री से बलवान कोई नहीं। स्त्री चाहे तो पुरुष को मसल दे यूं, स्त्री अपने में आ जाए तो पुरुष तो कुत्तों की तरह दुम हिलाए बस। इतनी पावरफुल होती है स्त्री। एक स्त्रियां ना कितने लोगों को दहेज का केस लगा दिया, लो बूढ़े सब मर रहे हैं जेल में सड़ रहे हैं। ये स्त्री के तो चमत्कार है। झूठ ही कह दे स्त्री कि इसने छेड़ा, लो भैया जेल में मर रहा है वो, ये स्त्री के तो चमत्कार है। इसलिए स्त्री ज्यादा पावरफुल होती है, पुरुष पावरफुल नहीं होता। हाँ या ना? फिर इसलिए स्त्रियों से अच्छे से बोला करो। हाँ, इसलिए स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री ज्यादा पावरफुल होती, सारे पावर स्त्रियों के हाथ में है। विद्या चाहिए तो स्त्री के हाथ में है सरस्वती, पैसा चाहिए तो स्त्री के हाथ में पावर है लक्ष्मी जी, अन्न चाहिए तो स्त्री के हाथ में पावर अन्नपूर्णा। पुरुषों के पास क्या है सिवाय डमरू के? बजाते रहो डमरू। इसलिए तो शंकर जी तांडव कर रहे हैं। स्त्रियों के हाथ में ज्यादा पावर है और फिर भी स्त्रियां बोलती हैं कि हमें समानता का अधिकार दो। समानता का कैसे अधिकार मिले? तुम तो पहले ही से ज्यादा हो, पुरुष तो तुम्हारी बराबरी कर ही नहीं सकता। पुरुष रोए कि समानता का अधिकार दो तो समझ में भी आए, तुम काहे रोती हो? तुम तो ऑलरेडी पहले ही लेके बैठी हो सब।
इसलिए स्त्री ज्यादा है पुरुष से, हाँ या ना? इसलिए स्त्री को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अकेली झांसी की रानी ने अंग्रेजों को धूल चटा दी, फिर हम क्या कह रहे हैं, अपने में स्त्री आ जाए तो घुस के मारे घर में। वो तो स्त्री क्या है, भोली भाली सीधी सादी बनी रहती है, हाँ या ना? स्त्री के हमारे यहां 9 रूप हैं। हमारे यहां स्त्री के कितने रूप हैं? 9 रूप। प्रथमम शैलपुत्री, चतुतीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्। तो ये जो हमारे यहां 9 स्त्रियां हैं, ये कौन है? इनमें पहले ब्रह्मचारिणी है, सामान्य बच्ची है छोटी सी, फिर जाते जाते इन्हीं में एक काली भी है, महाकाली भी है, जो महिषासुर का मर्दन करती है, महिषासुर मर्दनी। तो दुष्टों का नाश करने में भी स्त्री पीछे नहीं रही। तो स्त्री अपने स्वरूप को भूल चुकी है, इसलिए वो अपने आप को कमजोर समझती है। कुछ स्त्रियां अपने पावर का दुरुपयोग करती हैं और कुछ स्त्रियां अपने अधिकार की बात भी नहीं करती। तो स्त्रियों को अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी पर झूठा दहेज का केस नहीं लगाना चाहिए। यदि दहेज मांगा, किसी ने सताया, तो आप बिल्कुल अधिकारी हैं। पर कुछ स्त्रियां झूठा ही सास को फंसा देती हैं, पुरुष को फंसा देती हैं, झूठा ही। ऐसी स्त्रियां जन्म जन्म तक उस पाप का दंड भोगती हैं। व्यर्थ में किसी को ना सताओ, व्यर्थ में किसी को ना परेशान करो। तो इस धरती पर सबसे पहले कौन आया? स्त्री आई। स्त्री का नाम क्या था? आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर 2 पुरुष आए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह आकुति के यहां यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहां कपिल भगवान प्रकट हुए। देवहूति जो मां है, इनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके यहां इनकी 9 बेटियां हुई, कला, श्रद्धा, गति, अनुसुईया, हविर्भु। ऐसी 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। ये अनुसुईया मां इन्हीं की बेटी हैं। अनुसुईया मां का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अनुसुईया मां। तो अनुसुईया मां ऐसी पवित्र नारियां, माता अनुसुईया को कौन नहीं जानता, ऐसी पवित्र स्त्रियों को जन्म देने वाली इनकी मां देवहूति मां है। इनकी 9 बेटियों का जब विवाह हुआ, 1 पुत्र हुए, श्री भगवान ही साक्षात कपिल रूप में प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? कपिल। कर्दम जी तप करने गए, आज हाथ जोड़ के मां देवहूति भगवान कपिल देव जी से कह रही हैं, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताइए मैं क्या करूं। माता देवहूति ने कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात्, मेरा मन हे प्रभु इन इंद्रियों की लालसा से बहुत परेशान हो गया। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। हे प्रभु मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ, आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करो। आज पुत्र के सामने माता देवहूति ज्ञान की कामना करती हैं। यदि बेटा ज्ञानी है तो माँ को देवहूति बनकर, पुत्र को कपिल बनाकर उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। माँ को अपने पुत्र से सीख लेना चाहिए कपिल मान करके। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह निकला
कि आपको जो सिखा रहा है, जो आपको सही मार्गदर्शन कर रहा है आपका, उसे आप अपना गुरु मान लो। चाहे वो आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, उम्र का कोई लेना देना नहीं। माता देवहूति ने अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण किया। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों का मन वश में नहीं है? जिनका मन वश में नहीं है वो हाथ उठा सकते हैं? हाथ उठा लो। जिनका मन वश में नहीं है वो हाथ उठाएंगे, फिर हम उपाय बताएंगे कि कैसे मन वश में होगा। आपका मन वश में है? ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है। मन, हम सबका ही मन अभी वश में नहीं है। हमें सबसे ज्यादा परेशान कौन करता? हमारा पड़ोसी हमें परेशान नहीं करता, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा पुत्र हमें परेशान नहीं करता, हमारा मन हमें परेशान करता है। अधिक मात्रा में हमें परेशान कौन करता है? मन। मन कहता है ये चाहिए और नहीं मिलता तो मन दुखी हो जाता है। इसलिए वो लोग ज्यादा सुखी हैं जिनका मन कंट्रोल है, बस में है। इसलिए बड़े बड़े संत जन्ना अपने मन को वश में करने में समय लगाते हैं। मन जिसका वश में है वो सबसे सुखी है। जिसका मन वश में है, जो अपने मन को वश में कर सकता है, वो दुनिया को वश में कर सकता है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो किसी को वश में। इसलिए मन को वश में करना ये आपके लिए चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और अपना मन, आप कहते हैं महाराज जी हमारा मन वश में नहीं है, हमारा मन बड़ा चंचल है, मन हमारा, देखो मन का काम है भागना। मन कहां ज्यादा भागता है? मन जो देखता है उसकी तरफ चलता है। यदि मन किसी अमीर आदमी को देखेगा तो मन तुरंत कहेगा काश हम भी ऐसे होते। किसी गाड़ी को देखेगा बड़ी महंगी तो मन तुरंत कहेगा काश ही अपनी गाड़ी होती। बढ़िया घर किसी का देखेगा तो बोलेगा काश ही अपना होता। मन उस घर की तरफ। जब लता जी गाया करती थी, रफी जी गाया करते थे, तो जो लोग उनको सुनते तो आपको मन करता काश हम भी ऐसा गाते। आप किसी बड़े नाम वाले व्यक्ति को देखते आपको लगता काश हमारा भी नाम ऐसा होता, काश हमारा भी। मन जो है हर क्षण आपको नई नई सूचनाएं देता है, काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसा कर लेते, काश हमें भी ऐसा मिलता है। सारी जिंदगी मन की कामना। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने मन की कामना ही तो पूरी करने में लगे हैं। क्या मन की इच्छाएं पूरी हो गई आप लोगों की? आप लोगों ने जब से होश संभाला है तब से आप लोग मन की पूर्ति में लगे हैं। मन के हिसाब से आप खाते हैं, मन के हिसाब से आप नहाते हैं, मन के हिसाब से सोते हैं। मन बोला जाग जाओ तो जाग गए, मन बोला सो जाओ तो सो गए। अपने मन की लड़की से शादी की, मन पसंद, मन की, मन मुताबिक घूमने गए, मन मुताबिक खाया, मन मुताबिक कपड़े, मन के कपड़े, मन की गाड़ी, मन का घर, मन की पत्नी, मन का सब किया। लेकिन इतना सब मन का करने के बाद भी क्या मन का पेट भरा? क्या मन की इच्छाएं पूरी हुई? सारी जिंदगी हम मन की करते रहे। लोग क्या कहते हैं, वो फलाना तो मन की करता है, फलाना तो अपने मन की करता है। सारी जिंदगी अपने मन की करते करते हम मर गए, लेकिन हमारे मन की इच्छाएं पूरी ना हुई। क्यों? क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती। आपका मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान है। आप कहो तो मैं मन को वश में करने का उपाय बताऊं। कैसे उपाय करेंगे बता दूं? मन तो देखो सबका चंचल है। अच्छा ये बताओ, आपके गले में मंगल सूत्र है, छोटा सा मैया, छोटा सा मंगल सूत्र है, जरा पैंडल छोटा है। अब मेरा पैंडल बड़ा हो, इतना बड़ा मंगल सूत्र हो, ये किसकी इच्छा है?
किसकी? गुजारा तो जरा से पैंडल से हो जाता है, पर बड़ा हो ये मन की इच्छा है। गुजारा तो 10 लाख की गाड़ी से भी हो जाएगा, पर 1 करोड़ की हो ये मन की इच्छा है। गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाएगा, पर बंगला हो किसकी इच्छा है। पूरी जिंदगी आप मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अंत में जब मन से पूछते हैं क्यों रे तेरा पेट भरा, तो मन कहता नहीं जी। अब यहां मैं आपको 2 बातें समझाऊंगा, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। बताओ जीवन जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए कि इच्छाओं के मुताबिक? जीवन में क्या पूरा होना चाहिए, जरूरतें या इच्छाएं? बोलो, हमें क्या पूरा करना चाहिए, इच्छा की जरूरत? देखो जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, हाँ या ना? जरूरतें पूरी हो सकती हैं, बट इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। जरूरत क्या है, आपकी जरूरत क्या है? मैया आपकी जरूरत क्या है? मेरी माँ, मैया ओ मेरी माँ, मैया जा रही हो टाटा तो कर लो, हाँ जल्दी आना, गुस्सा तो नहीं हो गई मेरी माँ? हाँ जल्दी आना, हाँ टाटा। चलो ये बताओ आपकी जरूरत क्या है, आप बताओ आपकी जरूरत क्या है, हाँ? हाँ हमारी जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। रोटी, बोलो रोटी, चोर से बोलो मेरी माँ, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये 4 क्या है? ये जरूरतें हैं, और ये जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ये जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती हैं। अब आते हैं इच्छाओं पर, इसके सिवा फिर जो है वो सब इच्छाएं हैं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला हो, ये हो, वो हो, जमान नाम हो, इज्जत हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, पावर हो, ये सब क्या है? इच्छाएं। और ये इच्छाएं ना तो तुम्हारे बाप की पूरी हो सकी, ना तुम्हारी पूरी हो सकेंगी। जरूरतें पूरी कर लो, मस्त रहो। अब आप लोग इच्छाएं पूरी, इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हो सकी। रावण की इच्छा थी कि लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाना चाहता था। रावण की इच्छा थी कि सोने में खुशबू डलवाना चाहता था कि स्वर्ण से खुशबू आनी चाहिए। रावण की इच्छाएं पता कितनी बड़ी थी, वो पृथ्वी से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनवाना चाहता था, टेंडर दे चुका था किसी को, काम भी कुछ कुछ चालू हो गया था, तब निपट गया, तब तक बजट पास नहीं कर पाया, चला स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने के लिए, आज तक जल रहा है। इसलिए आप लोग इच्छाएं पूर्ति में ना लगो, इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हो सकी। जरूरतें पूरी कर लो, मस्त रहो, खुश रहो। तो मन उनका भटकता है जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं। जितनी कम इच्छाएं उतना मन का भटकाव कम, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना मन का भटकाव। हाँ तो आज से आप लोग मन को कम भटकने के लिए क्या करेंगे, अपनी इच्छाओं को कम, उतनी जितनी की जरूरत। गांव में लोग कहावत कहते हैं, उतना ही पांव पसारो जितना चादर हो उतना ही पांव पसारो। इसका मतलब यही है कि जितनी आपकी क्षमता है उतनी कामना करो, उससे ज्यादा करोगे तो नुकसान है। तो भगवान की कृपा से माता देवहूति को कपिल देव जी ने समझाया। अब मन को वश में कैसे करें वो जरा तरीका मैं आपको समझाऊं।
मन को वश में करने का सरल तरीका है अभ्यास, प्रैक्टिस। क्या करेंगे? अभ्यासेन तो कौन्ते, अर्जुन ने पूछा, चंचलम ही मनः कृष्णा। भगवान बोले मन, अर्जुन बोले मन कैसे वश में करें, भगवान बोले अभ्यास। धीरे धीरे मन को भगवान में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। जो बिजनेस करते हो नहीं लगता तो मन लगाओ, मन लगाओ फिर काम करो, नहीं लगे तो भी काम करो, लगाओ धीरे धीरे, प्रैक्टिस। जैसे मंदारी बंदर को प्रैक्टिस के माध्यम से वश में करता है, घोड़सवार घोड़े को प्रैक्टिस के माध्यम से वश में करता है। आप लोगों को रोटी गोल गोल बनानी आती है तो प्रैक्टिस से आई ना, पहली बार में तो गोल ना आई होगी। प्रैक्टिस करने से सब आता है, अभ्यास करने से सब आता है। हाँ जी के ना जी, प्रैक्टिस करने से सब आता है। ऐसे मन को वश में करने की का प्रैक्टिस करो, मन लगाओ। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, लगता नहीं है ना, लगना तुम्हारी ना कामयाबी है, असफलता है। मन नहीं लगता ये कोई बात नहीं, लगाओ लगाओ। अब कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई और आचमन किया कपिल देव जी ने। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार कपिल देव जी सीधा गंगा सागर पहुंच गए। इसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी हुई सती और सती का विवाह शंकर जी से हुआ। सती माँ का विवाह किन से हुआ? शंकर जी से। हाँ, सती एक बार राम जी की परीक्षा लेने गई थी, संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान, भगवान होते तो खुद की पत्नी को पहचान ना जाते। राम जी ढूंढ रहे हैं, हे सीता कहाँ, सीता कहाँ। शंकर जी ने समझाया भगवान है, लीला चल रही है। नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी। बहुत समझाया, शंकर जी ने नहीं मानी। माता सती परीक्षा लेने गई और फेल होकर के आ गई। सती का त्याग कर दिया शंकर जी ने, वो पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हुई, वही सती पार्वती बनी। तब भगवान शिव का पार्वती मैया से विवाह हुआ। भगवान संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। भगवान पर संदेह करोगे तो परिणाम वही होगा जो माता सती का हुआ। ईश्वर संदेह नहीं, श्रद्धा का विषय है। मनु जी महाराज की तीन बेटियों की कथा दास ने सुनाई। अब मनु जी के दो बेटे, पहले उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा पहले है। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। एक दिन उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज, जो सुनीति के पुत्र थे, वो अपने पिता के पास गए और अपने पिता की गोद में जब बैठने लगे तो सुरुचि माँ ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को नीचे गिराया और ध्रुव जैसा उच्च श्रेणी का बालक, प्रखर बुद्धि का बालक, ध्रुव जी को माँ सौतेली माँ ने अपमानित करके नीचे गिराया और कहा कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी इसलिए नहीं है क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि छसि नृपासनम। तू जाकर के तप कर बेटा, तू जाकर के तप कर। तप करने से तुझे भगवान मिलेंगे, तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। अब ध्रुव जी महाराज तो बेचारे लंबी लंबी सांसें लेते हुए रोते रोते घर आए। तब माँ ने कहा, पुत्र क्या हुआ? माँ, मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, यदि मुझे गाली दी होती ना माँ ने तो कोई बात नहीं थी, पर माँ उन्होंने आपको गाली दे दी, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। पर माँ देखो कितना बढ़िया समझा रही है। माँ कहती है, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उद्रेक रहित। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उद्रेक रहित। स्तन्येन्यवृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वावो डुमिडस्पतिर्मा। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ मैं आपका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता,
सौतेली माँ ने कहा, बेटा मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, भाग्यशाली होते तो तेरे पिता मुझे त्यागते क्यों, तेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया। अच्छा, त्याग सुनीति का क्यों किया? क्योंकि सुनीति के बेटा नहीं हो रहा था, तो सुनीति ने पति से कहा कि आप राजा हैं, पुत्र तो चाहिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो सुनीति के कहने पर सुरुचि से विवाह कर लिया, पर जिस दिन सुरुचि आई उस दिन कह दिया कि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, घर से निकालो। तो सुनीति को घर से निकाल दिया, पुराने राजमहलों में रख दिया, नए महलों में सुनीति सुरुचि रहती है, पुराने महलों में सुनीति, नए महलों में सुरुचि। अब ध्रुव जी महाराज का तो अपमान हो गया। माँ ने समझाया, बेटा जा, ते तू पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, हाँ माँ जा, तू उस परम पिता की गोद में बैठ जिस गोद में तेरे पिता भी ना बैठ सके, जा तप कर, तपसा राज्य पुरुषम, जा। एक माँ ने 5 साल के बच्चे को संस्कार क्या दिया, भगवान की तरफ मोड़ दिया। ध्रुव जी महाराज बोले, माँ भगवान कहाँ है, माँ 5 साल का बच्चा क्या जाने कि भगवान कहाँ है, कैसे होते हैं, क्या है, कुछ जानकारी नहीं। ध्रुव जी महाराज चले, भगवान कहाँ है, हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते माँ। तब माँ ने समझाया, बेटा जैसे दही के कणकण में मक्खन होता है, बताओ दही में मक्खन होता है कि नहीं, हाँ या ना, क्या दही में मक्खन होता है तो क्या दिखाई पड़ता है, नहीं, मथने से प्रकट होता है। बेटा जैसे दही में मक्खन है ऐसे कणकण में भगवान है, जैसे मथने से मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, बेटा ऐसे तू जा, भक्ति कर, तप कर, तेरे तप से भगवान प्रकट होंगे, वैसे जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की दीक्षा दी, और ध्रुव जी ने जब इस मंत्र का जाप किया, पहले तो नारद जी ने डराया कि तू तेरी उम्र तपस्या करने के नहीं जा, ध्रुव जी बोले नहीं मैं निकल पड़ा, अब तो भगवान को पाकर ही लौटूंगा, कोई ऑप्शन नहीं। ध्रुव जी महाराज के दृढ़ निश्चय को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया, मंत्र दीक्षा दी और यही यमुना के किनारे ब्रज मंडल में भगवान श्री भैया नींद आ रही है, बहुत चोरी चोरी सो रही है मैया। कोई ना देख ले, कोई ना समझे, हम सो भी ले और सब कोई समझे भी ना, हा हा हा। सुनो, ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, क्या की, तप किया, मधुवन है यहां ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में दर्शन होता है, वहां खड़े होकर ध्रुव जी ने बढ़िया तपस्या की। कैसे तप किया, 3 दिन में 1 बार खाते हैं, ऐसा 1 महीने तक क्रम चला, 3 दिन में 1 बार खा करके तप में भगवान में मन लगाए तो खाने से मन हटे। ध्रुव जी ने शरीर को कम खुराक दी, 3 दिन में 1 बार खाते, खाते ही रहोगे तो भगवान मन कहां लगेगा, साधक को खान पान में कंट्रोल करना पड़ता है, साधना में खान पान सहयोगी है, आप ज्यादा खाओगे तो भजन नहीं कर पाओगे, तप नहीं कर पाओगे। ध्रुव जी ने 3 दिन में 1 बार खाया, दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में 1 बार, तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में 1 बार, चौथा महीना लगा तो 12 दिन में 1 बार, ऐसे 5 महीने जब पूरे हुए ध्रुव जी के, तो ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते करते मन भगवान से जोड़ लिया और प्राण वायु रोक ली और पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर करके यूं तप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान भगवान में, शरीर से मन हट गया, इंद्रियों से मन हट गया और जब परमात्मा में मन लीन हुआ तो उस मन ने परमात्मा को जाकर सूचना दी, प्रभु अब आपके बिना रह ना पाएंगे। तो भगवान की देवताओं की इंद्रासन हिल गई, देवताओं की आसन हिली, देवता दौड़े भगवान के पास, प्रभु क्या हो रहा है, ये सृष्टि में कंपन क्यों हो रहा है। भगवान बोले मेरा भक्त ध्यान में डूबा है, उसके ध्यान के पावर से कंपन हो रहा है,
तो इन देवताओं ने कहा जाकर भक्त को दर्शन दो। भगवान बोले ऐसे ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन दूंगा नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। और भगवान दर्शन करने के लिए प्रकट हो गए। और जब भगवान आए तो ध्रुव जी ध्यान में डूबे थे, अंदर उनके हृदय, देखो भगवान पहले हृदय में प्रकट होते हैं, जब यहां प्रकट हो जाएंगे तो बाहर प्रकट होंगे, यहां नहीं तो यहां नहीं, समझो। आप अखबार पढ़ लेते हैं, हाँ या ना? आप लोगों को अखबार पढ़ना आता है कि नहीं? हाँ या ना? आता है क्या? छोटे छोटे बच्चों को अखबार पढ़ना आता है? नहीं तो आपको क्यों आता है? छोटे छोटे बच्चों को तो नहीं आता अखबार पढ़ना, आपको क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर वो शिक्षा है, वो हिंदी का ज्ञान है तो हिंदी का अखबार पढ़ लेंगे, इंग्लिश का ज्ञान है तो इंग्लिश का अखबार। आपके अंदर जो ज्ञान होगा वही तो आप पढ़ेंगे, वही तो जो अंदर होगा, हिंदी अंदर होगी तो बाहर दिखेगी तो पहचान लोगे ना, इंग्लिश अंदर होगी तो बाहर दिखेगी तो पहचान लोगे ना। उसी तरह भगवान जब अंदर होंगे तब तो बाहर दिखेंगे, तब ना पहचानोगे, अंदर तो है ही नहीं तो बाहर क्या। तो ध्रुव जी के अंदर भगवान थे, और जब ध्रुव जी ने भगवान को पुकारा, जब पुकारा तो सामने भगवान ने वो छवि केंद्रित जो थी वो गायब कर दी, आंख खुली तो सामने भगवान चरणों में गिर पड़े, कुछ बोलना तो चाहते हैं कुछ बोल ना पाए, तब शंख का स्पर्श भगवान ने गालों पर कराया और ध्रुव जी को मुंह कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। 5 साल के अनपढ़ ध्रुव जी ने ऐसा बोलना स्टार्ट किया जो बड़े बड़े संत बोलते हैं, दिव्य स्तुति भगवान की स्टार्ट की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्नः अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो, ध्रुव जी ने कहा अंतः मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए, मेरी वाणी आपका गुणगान गाए। हे प्रभु, भगवान ने कहा कुछ मांगो, ध्रुव जी ने कहा कुछ मांगने की इच्छा ना हो ऐसा वरदान दो। भगवान ने कहा नहीं, तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का, 6 महीने की तपस्या से, 5 महीने की तपस्या से 36,000 वर्षों का राज्य। ध्रुव जी ने दर्शन किया और दर्शन करके भगवान का, और ध्रुव जी महाराज वहां से जब घर गए तो जिस पिता ने ध्रुव जी को घर गोद से नीचे गिराया, जिस माँ ने अपमान किया, आज वही माता पिता आरती की थाली लेकर ध्रुव जी का सम्मान करने के लिए खड़े हैं। आप अपने आप को इतना योग्य बनाइए, इतना साबित करके दिखाइए कि जो आपका अपमान करते थे वही आपका सम्मान करने को आगे आए, इतना बढ़िया बनाओ अपने आप को। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पा लिया 5 वर्ष की उम्र में, और जाकर के पिता ने उन्हें राजा बनाया ध्रुव जी को। फिर ध्रुव जी बड़े हुए, विवाह हुआ और ध्रुव जी गृहस्थ आश्रम में रहकर खूब भगवान का चिंतन करते हैं, और ध्रुव जी राजा बनकर के प्रजा का पालन कर रहे हैं। ध्रुव जी का पावन चरित्र, उन्होंने खूब यज्ञ किए, खूब परोपकार किया, खूब सेवा की, सेवा ऐसी की बड़ी पताका लहराई सेवा की। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में, संतों की सेवा होती है, ध्रुव जी ने खूब संतों की सेवा की, खूब भक्तों की सेवा की, गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती है, हजारों संत प्रसादी पाते हैं, हजारों संतों का भोजन होता है। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा होती है, हजारों संत जो नित्य प्रसादी पाते हैं, आप भी इन संतों की सेवा में से अपने आप को जोड़िए और आप भी एक दिन की सेवा कीजिए। आज हमारे भैया लंदन से आए हैं कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए। रोहित भैया,
हमारे रोहित भैया लंदन से आए हैं, अभी लंदन में जब कथा थी तो वापी हमें गाड़ी में बिठा के वहाँ सारथी बन के सब जगह ले जाते थे, तो आज रोहित भैया आए हैं लंदन से, स्वागत है आपका। भगवान की कृपा, देखिए गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं, अन्य क्षेत्र की सेवा, हजारों संत प्रसादी पाते हैं। आप लोगों से बस इतनी विनती है, आप भी एक दिन की प्रसादी हजारों संतों को बटवाकर इस पुण्य के भागीदार बनो और आप भी तमाम सेवाओं से जुड़ो। गौरी गोपाल आश्रम में जो संत आते हैं ये भजन करने वाले साधु हैं, आपकी रोटी खाएंगे तो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, दुआएं मिलेंगी आपको आशीर्वाद मिलेगा। गौरी गोपाल आश्रम में संतों के लिए आप भी एक बच्चे का जन्म देना है, शादी की सालगिरह, आप अपनी ओर से सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र के साथ रसोई चलती है, कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन मिलता है, हजारों भक्त रसोई में पेट भर भोजन करते हैं, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, लगभग 30,000। एक दिन की प्रसादी आप भी अपनी ओर से बटवा कर पुण्य के भागीदार बनना, अन्नदान करना। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थी रहते हैं, जिन विद्यार्थियों की सेवा, 100 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, निःशुल्क रहना खाना सब निःशुल्क, ऐसे गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं ऐसे बच्चों के लिए आप भी उनके लिए एक दिन की भोजन व्यवस्था आप भी अपनी ओर से कर दें कि आपकी ओर से बच्चों को भरपेट भोजन मिले और आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में सहयोगी बने। ठंडी आ गई, सारे बच्चों को स्वेटर बांटी गई, तो आप भी बच्चों के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनकर और बच्चों की सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। सेवा ही भक्तों भगवान तक पहुंचाएगी। आप कितने भी धनी हो लेकिन धन भगवान तक नहीं पहुंचाएगा, तब भगवान तक पहुंचोगे जब वो धन सेवा से जुड़ेगा, धन धर्म से जुड़ेगा। क्या हमारा धन किसी के काम आ रहा है, ये सवाल अपने आप से पूछो। आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों के लिए गौरी गोपाल गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला में आप भी एक गज दो गज भूमि गौ चर के लिए, गाय के चरने के लिए, रहने के लिए, गाय के लिए भूमि दान कर सकते हैं, गाय की सेवा से आप लोग अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, 272 माएँ, वो माएँ जिनकी अपनी औलाद घर से निकाल देती हैं। आओ हम आपका परिचय माँ से कराएं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ? महाराष्ट्र सोलापुर। महाराष्ट्र सोलापुर। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटा दोनों भगवान के घर गए हैं, बहू है, पोता है, पोती है। अच्छा पोता पोती है, तो पोता पोती है तो पोता पोती सेवा नहीं करते क्या? पढ़ने को जाते हैं कॉलेज में, बहू पढ़ाने को जाती है कॉलेज में। अच्छा बेटी भी है आपकी? बेटी है, कौंसल है, नासिक में है बेटी एक। तो बेटी भी है आपकी और पोता भी है, तो फिर आपको घर में ही रहना चाहिए पोता पोती के पास? बहू एक दो बार बोल दिए कि मेहमान आते हैं, वो कमाने को जाती है तो मेहमान घर में हमेशा आते रहते हैं, तो वो बोल दी तो मेरा लगा हम यहाँ है और मेहमान आते हैं, अगर नहीं हम नहीं रहेंगे तो मेहमान नहीं आएंगे, रोज बेचारी कमाती है तो काय को इतना खर्चा उसका कराना, आगे भगवान का इच्छा होगी। तो जब आप यहाँ आए तो आपकी बहू ने, पोता की पत्नी ने बोला नहीं कि माँ वापस आओ घर हम सेवा? पोता कॉलेज में पढ़ता है, छोटा है, पोता है, पोती पढ़ते हैं। कॉलेज में पढ़ता है तो छोटा है, पोता पोती कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ। बहू कॉलेज में पढ़ाने, तो जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब आपकी सेवा करेंगे कि नहीं? करेंगे तो खरी, पर मेरे को भगवान का महीना आ गई, मेरा दिल हो गया भगवान में, दिन भर टीवी में देखी, दिन भर भगवान का सुनना मन में आएगा। अच्छा तो पोता पोती आपको अच्छे से रखते थे या नहीं रखते थे? बोलते हैं अच्छे, बोलते हैं दादी दादी, बोलते हैं दादी तू खाई क्या पी क्या, बोलते पूछते। अच्छा पूछते हैं, सेवा करते हैं, सेवा क्या करनी है अपनी। चलो मैया, तो फिर आपको ये मैया अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है, मतलब आप? हाँ बस आ गए, घर में कोई तकलीफ नहीं है? घर में अपना बहुत ताना मारी एक दो बार बस। अच्छा ताना मारी तो आप आ गए, तो जरा सी बात में आप यहाँ आ गई? नहीं पर मैं भगवान का सुनने आ गई। सुन तो घर से भी लेती हैं आप कथा? कथा तो घर से भी सुन लेती, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा ना हो या करो आप लोग? नहीं नहीं, यदि गुस्सा हो गए छोटी सी बात में कि जरा ताना मार दिया, तो छोटी छोटी बात में आप लोग गुस्सा भी ना हुआ करो, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो के आ जाएंगे तो ये भी गलत है। नहीं नहीं
गुस्सा कुछ नहीं बाबा। हाँ तो हमारे गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं वो माएं, अब जैसे ये मैया जरा सी बात में आ गई तो इनका तो यहाँ आना गलत था, क्योंकि जरा सी बात में आ गई, बेटा बहू पोता पोता यदि सेवा करते हैं तो इनको घर पर ही रहना चाहिए। यदि यदि इनके अतिरिक्त जो माताएं गौरी गोपाल आश्रम में हैं वो ऐसी माएँ हैं कि जिनके बेटा, इनके तो चलो पोता पोती बोलते हैं सेवा करते हैं या जरा सा ताना मारा तो मैया आ गई, पर कुछ माताएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे ताने सुने सहा, जब उन्होंने इतना अत्याचार किया, कुछ बेटों ने तो माँ पर हाथ उठाया, कुछ बहुओं ने मारा, जब मारा पीटा तब कुछ माताओं ने निर्णय लिया कि अब तो भैया सिर से पानी ऊपर चला गया, अब नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में जब कुछ औलाद, कुछ बेटा जब माँ पर अत्याचार करते, कुछ बेटियां अपनी माँ पर अत्याचार करती, जो गौरी गोपाल आश्रम में माताएं हैं ना, ये वो माएं हैं जिनको अपने लोगों ने सताया है, अपने लोगों ने परेशान किया है। मैया तो परेशान नहीं हुई, अपनी इच्छा से आ गई, लेकिन कुछ माताएं ऐसी हैं जिनको उनके लोगों ने परेशान किया और फिर यहाँ आई, और ऐसी बेसहारा माओं का सहारा गौरी गोपाल भगवान की कृपा से ये दास अनिरुद्ध जो बना, इन बेसहारा माओं की सेवा किया। तो आप लोगों से बस इतनी प्रार्थना है कि जो गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं वो निश्चित ही बेसहारा हैं, कोई नहीं है बुलाने वाला, कोई नहीं है उनकी सेवा करने वाला, या तो वो फुटपाथ पर रहें या तो गौरी गोपाल आश्रम के द्वार खुले हैं। तो आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं 272 माएं, इन माओं के लिए आप भी सहारा बने और एक कमरा बनवा कर सहयोगी बने, या एक कमरे की छत डलवाएं, या फिर एक माँ को गोद लेकर आप जीवन भर रोटी देने का संकल्प लें। किसी माँ का सहारा जरूर बने, किसी माँ का जब हम सहारा बनेंगे तो भगवान हमारा सहारा जरूर बनेंगे। आइए, आप में से मैया बाप, आपको घर में पोते से बात करूंगा मैं कि पोता रखना चाहता है आपको कि नहीं, यदि रखना चाहेगा तो आपको पोते के पास भेज देंगे, नहीं रखना चाहेगा वो मना कर देगा, तब फिर आप यहां रहिएगा, ठीक है? पोते से बात करेंगे, पोता क्या चाहता है, उसने जानबूझकर घर से निकाला या फिर ताने मारा, तो ताने मारने के पीछे का आशय क्या था, जानबूझकर के निकालने का आशय था या गलती मैया की है या पोते की, इस पर जानकारी करके आपको सूचना देंगे। और आइए, आप में से कुछ भक्तों ने ऐसी बूढ़ी माँ का सहारा बनकर अपने धन को पवित्र किया, आइए उन दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। आइए नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों का, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे दानवीर महापुरुषों की झोलियां सदा भरी रहें। श्री राधे, बड़ी सुंदर पावन कथा सद्गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए। आइए नाम सुनेंगे उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है और पुण्य की प्राप्ति की है। आज के श्रेणी में श्रीमती पुष्पा देवी गुप्ता, श्रीमती वेद प्रकाश जी गुप्ता बदायूं से, आप 1,00,000 रुपए के योगदान, साथ ही 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र के लिए 1,11,000 रुपए के योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, पूरे गुप्ता परिवार के लिए। सभी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति आप कर रहे हैं। वहीं से श्रेणी बसंती भाई जी मलाजी डूंगरपुर से राजस्थान से सभी सेवाओं के लिए 51,000 रुपए, पंकज नारायण दास जी कलरा सूरत गुजरात से 22,000 रुपए, पूनम सिंगल बलनसर से आप 21,000 रुपए, राधा खंडेलवाल आप 21,000 रुपए, रेखा प्रभुल विष्णु प्रभुल आप 11,000 रुपए, शकुंतला जी सुरेंद्र दुबे गरियाबंद से 11,000 रुपए, गुलाब देवी राठी नागौर से राजस्थान से 11,000 रुपए, महावीर नागर जोधराज नागर आपको राजस्थान से 11,000 रुपए, उषा जी तोमर आप दिल्ली से 11,000 रुपए, रजनी भटनागर उधम सिंह नगर से 11,000 रुपए, बंसीलाल देवांगन आप 11,000 रुपए, जय भगवान गुप्ता दिल्ली से 11,000 रुपए, विजय यादव जी मुंबई से 11,051 रुपए आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में विजय यादव जी मुंबई से 11,051 रुपए, राजेंद्र प्रसाद जी विनय कुमार नागपुर से 6,000 रुपए, राज सुनीता यादव जी सिद्धार्थनगर से 4,400 रुपए, बतुल्य जी दंगेल आप 5,000 रुपए, नीतीश कुमार जी बक्सर बिहार से 21 रुपए, पंकज राम जी बिहार से, राजू सुनीता बरसाडे लेखराज डोंगरा सुना देवी कांगड़ा से, लालदेव पंडित आप 2,100 रुपए, मोहित कुमार राजस्थान से विजय साहब ग्रुप में 21 रुपए, अभिजीत जी झारखंड से विजय साहब, ब्रज बिहारी जी विजय साहब, मुकेश देवी सुनील कुमार जी राजस्थान से 21 रुपए, सोमवती हरिद्वार से 21 रुपए, दीपक रमेश जी लिंबानी पुणे से आप विजय साहब, सोनिया खुशवंत जी के नाम से दिल्ली से विजय साहब, दिव्य जी विजय साहब के हाथ बढ़ा रहे हैं,
मदला जी नामा सीताबाजी नामा बुद्ध राजस्थान से विजेश्वर मलती सक्सेना शिवपुरी से सूर्यपाल सिंह जी आप दिल्ली से बबीता यादव जी नालंदा बिहार से गायत्री जी राधेश्याम जी पांडे आप झारखंड से ईश्वरदास जी शिमला हिमाचल प्रदेश से दिलीप कुमारी शिमला से विजेश सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस श्रेणी में शेष राम जी बिजनौर से देवकी देवी शिमला से उमादा जी शिमला से मनोज कुमारी शिमला से नरेश विश्वास राय जी पटेला महाराज से विजेश है राम सिंह यादव जी अभी 2051 रुपए दीपक जी रमेश जी लिमानी पुणे से उपेंद्र रविदास जी जमुई बिहार से पूजा देवी अक्षरसा बिहार से सोनाली काजल दास जी आप उड़ीसा से राम सिंह यादव जी प्रतापगढ़ से 2051 रुपए प्रेम नारायण जी पांडे बस्ती से मंदाकिनी निषाद जी रायपुर से हिमांशु अग्रवाल जी आप उन्नाव से कमलेश यशवंत जी सूरत गुजरात से विशाल कुमारी गुप्ता नागपुर से मीनाक्षी जी जम्मू कश्मीर से विजेश सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अजय कुमार सुल्तानपुर से राम भरोज गुप्ता बड़ौदा गुजरात से मनीष राज विश्वकर्मा जबलपुर से 2000 रुपए हरिओम चौरस से ग्वालियर से किशोर पाटिल जी पवन जी तेलंगाना से नरेश जी प्रियंका दिल्ली से विजय राजी रविंद्र गुप्ता बिहार से विजय तारलोक सिंह जी अम्बाला से पूरन देवी उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार शर्मा जी आप दिल्ली से विजय है प्रमोद सिंह जी भदौरिया सतना से 2101 रुपए आप दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रीधाम प्रतापगढ़ में चल रही पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है और पुण्य की प्राप्ति की है। आइए मैं चाहूंगा कि आप भी इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें, समय रहते हुए और सही समय पर किसी का सहारा बनते हुए पुण्य और आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आइए जो यहाँ है उनके लिए ठीक पीछे काउंटर लगा है, आप काउंटर पर जाकर के अपना योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं और जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर और क्यू आर कोड दिखाया जा रहा है ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। आइए चलेंगे शेष पावन कथा की विशेष सूचना के साथ में लगातार पोथी पाठ श्री धाम प्रधान की पावन धरा पर बैठ रहे हैं। एक बार पुनः यह सुअवसर आपको प्राप्त होगा 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक यहां भागवत जी के बड़े ही सुंदर पोथी पाठ बैठ रहे हैं जिससे जुड़ करके आप पोथी पाठ यजमान तो बन ही सकते हैं, साथ ही अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने परिवार आनंद खुशियों के लिए, अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ यहां बैठा सकते हैं। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भावमय होकर मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। ध्रुव जी महाराज राजा बन करके बड़े भाव से प्रजा की सेवा में लगे हैं और आगे की चर्चा भगवान के जन्मोत्सव की कल करेंगे। एक सूचना दे दूं कि जो कानपुर में कथा होने वाली थी वो कथा कानपुर में जो 18 दिसंबर से होने वाली थी वो किसी कारणवश नहीं होगी, आगे फिर कभी ठाकुर जी चाहेंगे तो डेट होगी। अभी वो कथा किसी कारणवश 18 दिसंबर की कथा को रद्द कर दिया गया है। आइए आगे की चर्चा जन्मोत्सव की कल कथा का समय आप बड़े प्रेम से 1 बजे से कथा संस्कार टीवी पर आप नित्य सुनिए और शुभ चैनल पर सुबह 10 बजे से कथा रोज सुनिए। आइए आरती की ओर चलते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारू गिरधर तेरी आरती आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
करो ज्ञान दो भगवन, आओ में बसी नाओ मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिर भर तेरी आरती। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
कृष्णा कृष्णा हरे हरे नट नटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां दर्द नहीं अब तो आया नट नटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां दर्द नहीं अब तो आजा हरमत लाल तरस रहे गोपाल तरस रहे हाँ तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना अजा गोपाल तरस रहे नैना अजा गोपाल तरस पुष्पांजल रमया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तम मंत्र पुष्पांजलि बलवृंदावन बिहारी लाल की।